एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या रहा है? ये देख मौत लिखी इस पे मौत और ये सैनिटरी ज़िंदगी गई दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी पी सोच कब हस हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में रहे। तो फाइनली धर्मा प्रोडक्शन की फर्स्ट फिल्म किल हमारे नजदीकी थिएटर्स में दर्शन दे चुकी है और इसके दर्शन लेने के लिए कई सारे लोगों ने भीड़ भी लगा ली अब अब फिल्म तो रिलीज हो चुकी मतलब इसका फटाफट से इंस्पेक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा तो इस फिल्म को लेकर कौन कौन सी चीजें वर्क हुई और कौन सी चीजें नहीं आइए जानते हैं। तो एक्टर और एक्ट्रेस तानिया मनिकतला जैसी यंग स्टार कास्ट और डायरेक्टर निखिल भट्ट की इस फिल्म में क्या क्या वर्क हो चुका है ये पहले देखते हैं तो जैसे कि यह मोस्ट वायलेंट और एक्शन फिल्म कहलाई जाती है तो इस बात का ये जस्टिस देती है मूविंग ट्रेन में ब्लडी और गौरी एक्शन पोस्टर्स शूट करना काफी कमाल के हैं नो डाउट मतलब डायरेक्टर निखिल भट्ट ने इस सिंगल लोकेशन थ्रिलर में ट्रेन का, का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है जैसे कि ट्रेन के हर एक कंपार्टमेंट को इस्तेमाल किया ट्रेन में मौजूद कर्टन हो या फायर स्टिंग्विश हों इनका इनोवेटिव यूज नजर आता है और पर्दे पर जब, जब जबरदस्त एक्शन और उसके पीछे का रेजिंग बैकग्राउंड स्कोर ओ हो भाई मजा ही आ जाता है मतलब एक बात हो तो बताएं पहले ट्रेन देखने के बाद हमें मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे गाने याद आते थे पर अब इस फिल्म की याद जरूर आएगी वो भी ट्रेन देखकर अब दूसरी बात कि जैसे एक्शन के मामले में फिल्म आपको जरा भी बोर नहीं करती और ऊपर से 100 मिनट का जो रन टाइम है ये काफी अच्छी तरह से फुलफिल करती है वे स्ट्रेट अपने पॉइंट पर बात करती है बिना कोई टाइम पास किए तो यहां पर भी आपको बोर होने का एक मिनट का भी चांस ये फिल्म नहीं देगी जो एक और प्लस पॉइंट है इसका तीसरी बात है स्टार कास्ट एंड पहले से तो स्टार कास्ट की की बात करें तो काफी ज्यादा काबिलियत तारीफ है इस फिल्म के हीरो जो कि कमांडर अमृत के रोल में हमें नजर आते हैं वो अपनी सॉलिड फिजिक और माचो स्टाइल के जरिए एक साथ एक एक्शन स्टार के तौर पर चौका मारते हैं के दस मिनट में उन्होंने जो रॉ इमोशन एक्सप्रेस किए ना वे काबिलियत तारीफ है और फिल्म के लिए री तानिया मनिकला अपने सिंपल और ब्रीफ रोल में काफी अच्छी लग रही हैं। पर ऐसा क्या है जो उस फिल्म के लिए वर्क नहीं हुआ वेल well, देखते हैं इस पर भी तो इसमें राघव जुवल जो क्राइम बॉस और फिल्म के विलन के तौर पर नजर आए उनका कॉमिक अंदाज इस फिल्म में थोड़ा बहुत काम कर जाता है पर एक इंटोगनिस्ट uh, के तौर पर वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता मतलब एक विलन को देखकर जिस तरह का खौफ होना चाहिए वैसा खौफ उन्हें देखकर नहीं लगता जबकि वह एक वायलेंट फिल्म है सेकेंडली स्टोरी लाइन से वो बात नहीं आ रही जो कुछ नए ऑडियंस को ऑफर कर रही है जिसकी वजह से ऑडियंस लास्ट मिनट तक सिर्फ स्टोरी की वजह से खुद को होल्ड कर सके इसमें ज्यादातर एक्शन भरा हुआ है तो सिर्फ एक्शन के तौर पर यह फिल्म आगे जा रही है हाँ अब स्टोरी सिंपल है ये तो पहले से ही पता था जिसमें आज एक ट्रेन के हीरो और होते हैं, फिर कुछ गुंडे ट्रेन में हैं, फिर उनकी मार शुरू होती है तो और, और बेहतर हो सकती थी तो फाइनली हम यही कहेंगे ड्रामा कि है और एक्शन लवर्स के लिए परफेक्ट ब्लेंड साबित होता है पर जो लोग ब्लडी वायलेंस नहीं देख सकते जैसे कि कमजोर दलवार तो उन्हें इस फिल्म से दूर ही रहना चाहिए भाई साहब वैसे आपने किल देखी कि नहीं और अगर नहीं देखी होगी तो जरूर जाकर देखिए और आप हमारे ओपिनियन से कितना अग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंडिल बॉलीग्राज स्टूडियोस बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड व्हाट्सएप हाई टू एट ने आज तक आज तक इतनी क्रूर फिल्म नहीं बनाई मैगजीन ने अपने रिव्यू में लिखा ये इस साल की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्मों में से एक है ने भविष्यवाणी कर डाली यह फिल्म आगे चलकर कल्ट क्लासिक बनने वाली है यह सब बीते साल छपा टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है सात सितंबर को मिडनाइट मैडनेस नाम की श्रेणी में एक इंडियन फिल्म स्क्रीन होती है इसे करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शन और गुणित मोंगा की कंपनी सिखिया ने मिलकर प्रोड्यूस किया है नाम है किल। फिल्म स्क्रीन हुई। खत्म होने के बाद लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने आखिर क्या देख डाला क्या ये फिल्म वाकई इंडिया से आई थी तमाम बड़ी विदेशी पब्लिकेशंस ने अपने रिव्यूज में झोला भर के तारीफ लिख डाली अब ये फिल्म फाइनली इंडिया में रिलीज होने जा रही है बारह जून की शाम किल का ट्रेलर आया कहानी के हीरो लक्ष्य लालवानी है उनके सामने विलन बने हैं राघव ज्वेल। राघव पहली बार इस किस्म के रोल में दिखे हैं। कहानी बहुत ही सिंपल है लक्ष्य ने अमृत नाम का रोल प्ले किया है ये बंदा इंडियन आर्मी का कमांडो है खतरनाक किस्म का उसकी मंगेतर को एक ट्रेन में किडनैप कर लिया जाता है राघव के किरदार बेनी के गुंडे ऐसा करते आगे अमृत मार काट मचाता है ऐसा एक्शन करता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो यार ये फिल्म सिनेमा हरों में कैसे रिलीज होगी आँख में खंजर घुसाया जा रहा है लात मार कर गर्दन की हड्डी बाहर निकाल दी सिर में आग लगा दी गई एक शख्स को मारकर ऐसे लटकाया कि राघव का किरदार कहता है ऐसे कौन मारता है बे तुम रक्षक नहीं तुम तो राक्षस हो गिल ने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है जिससे में भारतीय सिनेमा अब तक दूरी बना के रहता है वो है बिना रोक टोक वाला विभत्स वायलेंस लंबे समय तक हमारे सिनेमा के लिए शारीरिक हिंसा मजाक का सबब बनी रही डिशम डिशम की आवाज वाले मुक्कों के साथ हीरो हीरोइन को बचा लेता था सिनेमा की बनी बनाई लहर में अपने फ्लेवर की कलशी चलाने वाले अनुराग कश्यप ने बिना छिझक के वायलेंस दिखाने की कोशिश की मगर वो खुद मानते हैं कि गैंग्स ऑफ पार्ट टू का क्लाइमेक्स यादगार तो नहीं खून खराबा और रामधीर सिंह के शरीर के उड़ते से समझ आ रहा था कि मेकर्स जो चाहते थे वो नहीं हो पाया बीते कुछ समय में लोकेश कनगराज राज ने वायलेंस को अनकन्वेंशनल तरीके से दिखाने की कोशिश की लियो के डाइनर वाले सीन में विजय ने हड्डियां जबड़े सब तोड़े बाकी संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल ने इंडियन सिनेमा में हिंसा के बारे को ऊपर उठाने की कोशिश की गले कट रहे थे कुल्हाड़ी धसाई जा रही थी चलाई जा रही थी कारपेट का रंग खून से लाल हुआ जा रहा था इन सब रेफरेंस के बाद भी किल ने जो किया वो अब तक अपने यहाँ ट्राई नहीं हुआ है किल को निखिल नागेश भट्ट ने लिखा है और डायरेक्ट किया है निखिल नागेश भट्ट की फिल्म किल नॉर्थ अमेरिका में थाउजेंड स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है किल ऐसी पहली हिंदी फिल्म बन गई है जो नॉर्थ अमेरिका में इतनी स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी किल एक एक्शन फिल्म है जिसमें राघव जुएल लक्ष्य और तानिया मनीकतला जैसे कलाकारों ने काम किया है मूवी 5 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी न्यू कमर एक्टर लक्ष्य स्टारर्स मूवी के ट्रेलर में खूंखार एक्शन देखकर लोग हैरान हो गए थे किल एक इंडियन आर्मी कमांडो की कहानी है जो ट्रेन में ट्रैवल करते हुए एक रॉबरी के बीच फंस गया है वो अकेले ही एक एक करके किस तरह गुंडों की एक पूरी भीड़ से निपटता है फिल्म का एक्शन उसे शानदार तरीके से दिखाता है किल में इतना एक्शन है कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में इसे शानदार रिव्यू मिले और कई क्रिटिक्स ने इसे इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म बताया चलती ट्रेन में चल रहा धुआंधार एक्शन देखकर आप हैरान तो हो ही जाएंगे मगर फिल्म के मेकर्स ने इस अद्भुत एक्शन को तैयार करने में एक और कमाल किया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मेकर्स ने खास वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे फिल्म के लिए प्रोडक्शन टीम ने एक ट्रेन बना डाली इस वीडियो में गुणित मोंगा कह रही है आइडिया ये था कि ट्रेन रॉबरी दिखानी थी एक बेहद संकरे स्पेस में नॉन स्टॉप मयूर ने बताया मैंने डैम बनाए हैं मंदिर बनाए हैं महल बनाए हैं लेकिन एक ट्रेन बनाना चैलेंजिंग था एक ट्रेन बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज बताते हुए उन्होंने कहा इंडियन रेलवे का एस्थेटिक सालों की मेहनत से आया है अस्सी परसेंट जनता को पता है कि ट्रेन कैसी दिखती है आप लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते आप फेक ट्रेन नहीं दिखा सकते पूरा सेट वैसे ही मटेरियल से बना है जो असली ट्रेन बनाने में यूज़ होता है स्टील का एक दरवाज़ा था जिसका वज़न 200 किलो था इस सेट को दो महीने तक चलने के हिसाब से टिकाऊ भी बनाना था और इस तरह बनाना था कि एक शॉट लेते हुए पूरा मूवमेंट भी पॉसिबल हो वीडियो में बताया गया कि पहले करीब एक फुट का मिनिएचर कोच बनाया मयूर ने उसमें सारे दिखाए फिर करीब दस फुट का मॉडल बनाया जो लकड़ी और गत्तों से बना था और फिर उन्होंने तीन कोच का एक मॉक सेट बनाया मयूर ने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये था कि कैसे शॉट की जरूरत के हिसाब से पूरे सेट का हर एक पार्ट मूव किया जा सकता है पहले मैं विलन का किरदार निभा रही डांस हो आक्टर राघव ने बताया उनके दिमाग में पहले सवाल ये था कि ट्रेन तो चलो बन गई मगर चलती ट्रेन में लोगों के हिलने का इफेक्ट कैसे देंगे लेकिन मयूर इसके लिए भी तैयार करके बैठे थे उन्होंने ट्रेन के कोच के नीचे बड़े स्प्रिंग लगवाए जो एक मोटर से जुड़े थे एक स्विच ऑन करने पर पूरा कोच एक रिदम के साथ ऐसे हिलता था जैसे चलती ट्रेन का कोच हिलता है ये एक एक्शन फ्रेंडली सेट था जिसमें हर जगह पैडिंग भी पर्याप्त थी ताकि फाइट कर रहे एक्टर्स और फाइटर्स जहां गिरे उन्हें चोट ना लगे एक बड़ी दिक्कत ये थी कि मूवी में खून खराबा बहुत है और अगर इंडियन रेलवे की तरह कोच के इंटीरियर में हू बहू कलर्स यूज होते तो खून का लाल रंग कैमरे में अलग से हाईलाइट नहीं होता तो कोच के अंदर इस्तेमाल हुई पैंट का कलर रेलवे के रियल रंगों से थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया किल के सिनेमाटोग्राफर रफ़ी मोहम्मद ने बताया कि सारे कैमरा पर्सन फाइटर्स के एकदम करीब थे इसलिए हर दिन ऐसे तरीके खोजे जा रहे थे कि ट्रेन के बाहर वाली लाइट्स मूव हो सके ट्रेन का ये सेट भले खड़ा हुआ है लेकिन बाहर की लाइट्स को अलग अलग तरीकों से इस तरह मूवमेंट में सिंक किया गया कि अंदर बैठने पर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई लगे। फिल्म के हीरो लक्ष्य वीडियो में कहते हैं कि मैं ये देखकर सुन हो गया था कि हमने एक रियल ट्रेन बनाई है राघव ने बताया मैंने मयूर भाई को कहा आपको पता है आप क्रेजी हो आपको पता है ना इस मूवी के लीड हीरो आप ही हो जब से रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय सिनेमा में खून खराबे से जराबोर फिल्मों का ट्रेंड चल पड़ा है आने वाली फिल्म किल भी ऐसी ही होने वाली है जिसकी झलक टीजर में नजर आ रही है जिसमें बस खून खराबा और मार धार नजर आ रही है हालांकि एक कहानी भी है जिसकी सस्पेंसिव फिल्म में पर्दा उठेगा लेकिन इस खून खराबे को देख कहा जा सकता है कि इस इसे कमजोर दिल वाले ना देखें। मूवी किल में राघव जुएल लक्ष्य लालवानी और तानिया मनी कतला लीड रोल में है टीजर की शुरुआत एक ट्रेन वाले सीन से होती है हर कोई खुश है लेकिन अचानक ही सारी खुशियां खून खराबे में लतपत हो जाती है खूब मारधार और खून खराबा होता है ट्रेन के बॉगी में कुछ लोग घुस आते हैं और फिर दिखता है हीरो लक्ष्य लालवानी और राघव जुवेल का खूंखार रूप जिसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे करण जोहर को अपने पिता यश द्वारा स्थापित धर्मा प्रोडक्शन को संभाली पच्चीस साल से ज्यादा हो चुका है उस समय ये एक मध्यम आकार की प्रोडक्शन कंपनी थी जो फिल्मों का निर्माण किया करती थी और फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी आज धर्मा प्रोडक्शन एक साम्राज्य बन चुका है अभिनेत्री आलिया भट्ट कहती हैं करण ने वाकई अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है और धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक नई पहचान एक नई आइडेंटिटी बनाई है वो सिनेमा के मामले में एक जीनियस व्यक्ति हैं भट्ट ने जोहर के साथ एक दशक से ज्यादा समय तक काम किया है सबसे पहले 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में और हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भट्ट कहती हैं करण और धर्मा में उनकी पूरी टीम हिंदी सिनेमा के विकास में एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम रही है इस साल गर्मियों में जोहर की फिल्म किल सप्तान्त में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने को तैयार है और भारत में 5 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है ये करण और धर्मा प्रोडक्शन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है फिल्म की दिन और तारीख़ रिलीज़ के बारे में जोहर कहते हैं इस हद तक और इस पैमाने पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ये आम तौर पर नहीं होता है हम भारत में प्रदर्शन के लिए जो फिल्में बनाते हैं उन्हें हमेशा प्रवासी लोगों के लिए रिलीज़ किया जाता है इस बार ये वर्ल्ड वाइड दर्शकों के लिए है और हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पिछले वर्ष इसका विश्व प्रीमियर फिल्म महोत्सव में हुआ था जहां मिडनाइट मैडनेस कार्यक्रम का हिस्सा रही थी किल पूरी तरह से नई दिल्ली जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन पर बेस्ड मूवी है मूवी भारत सिनेमा के कमांडो तो अमृत यानी लक्ष्य और विदेश यानी अभिषेक चौहान की कहानी है जो अमृत की प्रेमिका तुलिका तो तानिया मनी कतला को बचाने के मिशन पर है तो उन्होंने कहा शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से कर दी जाती है अमृत और वीरेश इस बात से अनजान है कि ट्रेन में चालीस डाकू हैं जो यात्रियों को लूटने की साजिश रच रहे हैं जिससे खूनी मठ मुठभेड़ शुरू हो जाती है कई लोग उन्हें एक ऐसे फिल्म निर्माता के रूप में जानते हैं जो परिवार संगीत और मेलोड्रामा पर आधारित बॉलीवुड फिल्मों में अपना नाम दर्ज कराते हैं जोहर को इस बात पर गर्व है लेकिन किल उनके लिए एक नई दिशा लेकर आई है निर्देशक निखिल नागेश भट्ट द्वारा ये विचार रखे जाने के पांच मिनट के भीतर ही भीतर वो कहानी की ओर आकर्षित हो गए थे करण जोहर कहते हैं मैं उनकी लिखित सामग्री और जिस तरह से वो कहानी कहना चाहते थे उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया था जोहर इस को ब्लर्ड पॉन कहते हैं वे हंसते हुए कहते हैं ये भारत में बनी सबसे हिंसक मूवी है हमने कभी इतनी हिंसक फिल्म बनाई ही नहीं और मेरे ऐसे फिल्म निर्माता के लिए जिसने अपने पूरे करियर में एक ही थप्पड़ खाया है एक अभिनेता द्वारा दूसरे अभिनेता को जोरदार थप्पड़ मेरे लिए इस तरह की फिल्म प्रस्तुत करना और उसका निर्माण करना शैली का एक पूर्ण परिवर्तन है ये जोहर के लिए एक छोटी सी जीत है जिनकी फिल्म है हिंदी सिनेमा के इस नए युग का अभिनन अंग रही है वो अपनी सफलता और भारतीय सिनेमा के लिए स्ट्रीमर्स के उदय को श्रेय देते हैं वे कहते हैं इसने फिल्म निर्माताओं कहानीकारों और कलाकारों के पूरे समुदाय को और भी करीब ला दिया है मेरा दृढ़ विश्वास है कि आर 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 को नेटफ्लिक्स पर आने से वास्तव में लाभ हुआ दुनिया भर में हर किसी की पहुंच थी और इसे देखने वाले लोगों ने ऐसे एस मौलिक की कहानी कहने की प्रतिभा को पहचाना उन्होंने आगे ये भी कहा आप जो हो रहा है वो ये है कि हम न केवल अपने देशों के सिनेमा को उपभोग कर रहे हैं बल्कि हम सभी प्रकार की सिनेमा देख रहे हैं क्योंकि ये एक क्लिक की दूरी पर है डिजिटल क्रांति ने जागरूकता पैदा की है जोहर के लिए अगला काम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तीसरी किस्त है जिसे शुरू में एक वेब सीरीज के रूप में लॉन्च किया जाएगा जौहर ने पुष्टि की कि रीमा माया इस सीरीज का निर्देशन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है उन्होंने उनकी फिल्म टू की लघु फिल्म में नॉक बर्गर देखी थी और उनके कौशल से वो प्रभावित थे उन्हें पता था कि उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए चीज़ों को बदलने की जरूरत है और इसमें गहरा और धारदार माहौल लाना होगा वे कहते हैं मैं इसे पॉप और म्यूजिकल नहीं बनाना चाहता था मैं इस शैली को पूरी तरह से बदलना चाहता था और कुछ पूरी तरह से अलग करना चाहता था माया अपनी दृष्टि को सीरीज में लाने और इसे पूरी तरह से बदलने के लिए एकदम सही व्यक्ति थी वे मजाक करते हुए कहते हैं हम इसे फिर से एक फीचर फिल्म बना सकते हैं हम इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं ड्रोहर को लॉस एंजल्स में 11 मई को गोल्ड हाउस गाला में लीजेंड अवार्ड मिलने वाला था ये एक बहुत बड़ा सम्मान था जो उन्हें मिला और उनका कहना है मेरे प्रिय मित्र प्रबल गुरुंग जो गोल्ड गाला के क्रिएटिव डायरेक्टर और गोल्ड हाउस के सह संस्थापक और बो डायरेक्टर हैं उसकी शुरुआत से इससे जुड़े हुए हैं मुझे लगता है कि ये आश्चर्यजनक है कि उन्होंने दुनिया भर में एशियाई समुदाय को कैसे सशक्त बनाया है उन्होंने कहा कि ये मान्यता और उत्सव उन्हें गर्व का अनुभव कराता है मैं भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है इस तरह के आयोजन हमारी सिनेमा को मानचित्र पर लाते हैं रोहर को लॉस एंजलिस में ग्यारह मई को गोल्ड हाउस गोल्ड गाला में लीजेंड अवार्ड मिल चुका है किल और गोल्ड गाला के बीच जोहर को उम्मीद है कि दर्शक भारतीय सिनेमा को और अधिक देखेंगे जहां तो तक उनकी सफलता की बात है तो उन्होंने अभी शुरुआत की है वे कहते हैं ये बहुत ही कुछ की शुरुआत है अभी आगे आगे देखिए होता है क्या पिछले साल जब देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप की हाइप रही तो इसे प्रासरित करने वाली ओडीटी डिज्नी प्लस हॉस्टा पर भी एक फिल्म रिलीज हुई अपूर्वा अब जबकि एक और क्रिकेट वर्ल्ड कप का खुमार अभी तक ऑडियंस पर कायम है तो अपूर्वा के ही निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की अगली फिल्म किल के स्पेशल शोज पूरे देश में होने स्टार्ट हो चुके हैं फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है और कल की टू वेट नाइन एट एरी के लिए अभी से चुनौती बनती जा रही है इसी के साथ रिलीज हो रही एक्शन स्टार अजय देवगन की तब्बू के साथ बनी फिल्म औरों में कहाँ दम था कि कलेक्शन पर भी इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है निखिल नागेश भट्ट से अमर उजाला के सलाहकार संपादक पंकज शुक्ला की एक खास मुलाकात हुई निखिल से पूछा गया कि आपकी पिछली फिल्म अपूर्वा की सबसे बड़ी खासियत इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहना और इसमें गिनती के कलाकार होना और ऐसा ही तानावाना किल में भी नजर आ रहा है फिल्म किल की कहानी भी एक चलती ट्रेन पर घटती नजर आ रही है अपूर्वा की कहानी भागती जिंदगी के बीच वो एक हादसे की कहानी है दोनों में बस इतना ही समानता है मान सकता हूँ कि बाकी दोनों फिल्मों का इतिहास भूगोल गणित भौतिकी रसायन शास्त्र सब कुछ अलग है यहाँ कलाकारों के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही डेंजरस यानी घातक है लक्ष्य लालवानी को मैंने एक्शन के साथ पेश किया है लेकिन इस अभिनेता में अभी बहुत कुछ गुंजाइश बाकी है इसके बाद पूछा गया कि अपूर्वा अब आप देखते हैं तो क्या लगता है और बेहतर हो सकती थी ये फिल्म कोई फिल्मकार कभी ये नहीं कह सकता कि उसने जो फिल्म बनाई वो सौ फीसदी संपूर्ण फिल्म है मेरी फिल्म में भी एक दो खामियां हैं जो मैंने समझ ली हैं और लोगों का फीडबैक इस बारे में बहुत ही मददगार भी रहा मेरी कोशिश रहेगी कि इन खामियों को मैं अपनी अगली फिल्म यानी किल में दूर करूँ अपनी ऑडियंस की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूँ हाँ फिल्म किल को लेकर तो दर्शकों में गजब का उत्साह भी है क्या भारतीय दर्शकों को भी हिंसक एक्शन फिल्में पसंद आने लगी हैं इस पर डायरेक्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया चलन है बच्चे वीडियो गेम खेलकर अपने दिल की भावनाएं खर्च करते हैं बड़े यही काम सिनेमा हॉल में दूसरे तमाम दर्शकों के साथ करते हैं हमें अपना इमोशनल रिलीज तो चाहिए ही चाहिए होता है तो अगर किल या एनिमल जैसी फिल्में इंसान के गुस्से को सिनेमा हॉल में निकाल देने में मदद कर रही है तो ऐसे लोग बाहर आकर बहुत सरलता से अपनी आगे की जिंदगी में बढ़ सकते हैं और कहानी का सूत्र क्या है फिल्म किल का रांची से निकली राजधानी एक्सप्रेस की मुगल सराय स्टेशन पहुँचने से पहले के तीन घंटे की एक कहानी है और इस कहानी में ऐसा एक्शन है जिससे हाल फिलहाल के दिनों में भारत सिनेमा में देखा नहीं गया निखिल से पूछा गया कि आपके सरनेम से क्या लगता है कि आप जम्मू कश्मीर या गुजरात से हैं वैसे तो ये नाम भट नहीं बल्कि भट्ट है और मैं कुल से कोकन ब्राह्मण हूँ परवरिश मेरी बिहार में हुई संध्या राजघराने की मदद के लिए मराठों का जाना तो आपको याद ही होगा वहाँ महाराष्ट्र से लड़ने गए तमाम मराठा परिवार फिर वहीं उत्तर भारत में ही बस गए हमारा परिवार बिहार शरीफ में बसा दादा मेरे वहाँ के नामी वकील रहे पिताजी ने भी वकालत की एक चाचा हमारे बने, फिर उनसे पूछा गया कि बड़ा भाई भी शायद वकील है फिर वकीलों के परिवार में फिल्म मेकर फिल्म मेकर कैसे बना तो फिल्म मेकर कहते हैं कि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कोशिश तो मैंने भी की थी वकील बनने की हालांकि उससे पहले घर वालों के दबाव में मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं भी दी गई पर साइंस से मोट उठा तो कॉमर्स से स्नातक किया एल एल बी भी दो साल पढ़ा लेकिन उसमें मन ही नहीं लगा तो कॉम में दाखिला ले दिया नोएडा जी स्टूडियोज की इंटर्नशिप की लेकिन जब मैं मुंबई आया और एम टी वी से जुड़ा तो मुझे समझ आया कि मुझे जाना कहाँ है क्या आपकी शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे से हुई है जी नहीं उन दिनों मैं मिड डे में काम करता था और वहीं मुझे अंडरवर्ल्ड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिला उसमें एक हिस्सा बबलू श्रीवास्तव के ऊपर भी था हिंदी मेरी अच्छी थी तो मैंने इसकी पटकथा लिखी थी और बात निर्देशन की आई तो मुझसे कहा गया कि लिख लिया है तो बना भी लो ब्लैक फ्राइडे के निर्माता ही मेरे मिड डे में बॉस थे इस फिल्म से मेरे जुड़े तक ये फिल्म बन चुकी थी मैंने और मेरे मित्र देबोले ने इस फिल्म के ट्रेलर काटे थे और इसकी पैकेजिंग की मदद भी की थी मतलब कि अनुराग कश्यप स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से आपका नाता नहीं रहा इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी यही कह सकते हैं मैं गाहे बेगाहे उनसे मिलते रहा हूं लेकिन उनके साथ काम कभी नहीं किया हम लोग विदेश से फिल्म का प्रीमियर करके लौटे थे तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने ये फिल्म देखने की इच्छा जताई जॉन विक के डायरेक्टर चार ने किल रीमेक बनाने की घोषणा की है लायंस गेट और रोड साइड अट्रैक्शन के अनुसार ये पहली बार है जब कोई हिंदी भाषा की फिल्म उत्तरी अमेरिका और यूके में थिएट्रिकल रिलीज के लिए हॉलीवुड स्टूडियो के साथ साझेदारी करी है ये घोषणा लायंस स्केट मोशन पिक्चर ग्रुप के अध्यक्ष एडम ने किया है एटी सेवन एलेवन एंटरटेनमेंट के चार्ड ने एक बयान में कहा किल हाल ही में देखी गई सबसे अच्छी एक्शन फिल्मों में से एक है निखिल ने ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिए हैं जिन्हें ज़्यादा से ज्यादा दर्शकों को देखना चाहिए इसका रीमेक बनाना हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात है हमारे पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं इसे हासिल करने के लिए निखिल करण अपूर्व गुणित और अर्चन के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ निखिल नागेश भट्ट के साथ किल बनाई तो हमने वर्ल्ड वाइड प्रेम का सपना देखा और उत्तरी अमेरिका सिनेमाघरों में किल का शोर उस सपने को सच होते देखना जैसे था जैसे जैसे हम अपनी वर्ल्ड वाइड रिलीज के करीब पहुंच रहे हैं हम बहुत ही खुश हैं कि एटी सेवन एंटरटेनमेंट अंग्रेजी में हमारी फिल्म का रीमेक बनाएगा जॉन विक कौन है एक रिटायर्ड हिटमैन पेशेवर हथियारों के छिपे हुए एक संगठन का लीजेंड बहुत है बातचीत संगठन पूरी दुनिया में एक्टिव है ड्रॉन विक का नाम भी उसे कहते हैं बाबा यागा बाबा यागा स्लाव परंपरा की लोक कथाओं से लिया गया है ये एक राक्षसी की कहानी है जो अपने विक्टिम्स को पका कर खाती है आमतौर पर बच्चों को ड्रॉन विक वाला बाबा यागा नहीं है वो तो अपराध की दुनिया में रिटायर हो चुका है एक लड़की से प्रेम हो और हत्यारे को अपनी ब... हर हत्या क्रूर लगने लगी। बड़ी जद्दोजहद के बाद अपराध से से निकल गया। पत्नी से प्रेम करता था वो चली गई पत्नी ने कुत्ता गिफ्ट किया था पुराने जुर्मों ने उसे भी छीन लिया जॉन विक ने फिर बंदूकें निकाली और फिर भाई रुका नहीं भतीरी एक्शन और एहसी फिल्में हैं लेकिन जॉन विक जैसा ग्रेस नहीं मिलेगा आम चोरों की जुबा में कहें क्लास एक्शन फिल्मों में आप अपेक्षा करते हो कि वजनदार बंदूकें होंगी विस्मय से बड़ा सीक्वेंस होगा मिस्टर विक ने क्लोज कॉम्बैट और पिस्टल की दम पर चार पिक्चरें निकाल दी थी थ्री पी सूट में गाजर मूली की तरह लोग मारता है कभी एक आध गोली लग गई तो लग गई नहीं तो रॉकी भाई से कम धनक नहीं है विक की ऐसा नहीं है कि विक पिटता नहीं है पिटता है गिरता है लेकिन रुकता नहीं है सीक्वेंस शुरू होते ही गाड़ी टक्कर मार देती है या दो मंजिला से गिर जाता है तब आपको लगेगा चोट लगे। अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाएगा पर आप इस बात पर अचंभित रहेंगे कि ये मरता नहीं है क्या क्योंकि वो फिर उठेगा और जिस विलन का इतना भौकाल दिखाया गया है इसके सिर में कुल्हाड़ी मार देगा लेकिन जॉन विक केवल अपनी जगन्यता के लिए नहीं जाना चाहता वो एक वफ़ादार दोस्त है एक धड़कता दिल और जहीन दिमाग है जिससे मुक्ति चाहिए कुछ एक्टर्स कुछ रोल्स के हो जाते हैं वो कोई भी फिल्म कर ले ऐसी ही याद की जाती है अरे वो शेरलॉक वाला एक्टर या अपना आयरन मैन वाला ये सितम कई एक्टर्स के साथ हुआ है कुछ भुना पाए कुछ खप गए किनो बीच में है लेकिन जॉन विक तो वही है जेम्स बॉन बदल सकता है पियर्स ब्रॉसनन के बाद डैनियल क्रेग हो सकता है लेकिन जॉन विक नहीं जॉन विक मतलब रिव्स जो बिल्ट जो जो गंभीरता उस किरदार में चाहिए ऑफर करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कियानू ने खुद किरदार के, के डायलॉग्स कम करवा दिए कुल तीन सौ अस्सी शब्द कहे हैं तीन घंटे के पिक्चर में कई गुंजाइशों पर आपको लगेगा यहाँ कुछ तो बोलना चाहिए था विक नहीं बोलेगा पुराना दोस्त मिलने या दुश्मन विक खामोश रहेगा एक गिलास पानी पी लेगा या गिलास जो भी हो ड्रॉन विक के इंट्रोडक्शन में हमने ड्रॉन विक के इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि वो एक पेशेवर हत्यारा है लेकिन किरदार बस इतना नहीं ड्रॉन विक खुद को कैसे याद करना चाहता है एक प्रेम करने वाले पति के तौर पर वो चाहता उसकी कब्र पर लिख जाए ड्रॉन लिविंग हस्बैंड वो एक आशिक आदमी है प्रेम से सराबोर और अपराधियों की दुनिया उसकी टॉक्सिक एक्स है जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही क्या गिरदार की कमज़ोरी थकान फेज और क्रूरता की लेयर्स को बेहतरीन तरीके से जज्बे करते हैं किल बनाने का आइडिया हॉलीवुड वालों को इसकी एक्शन पार्क सीन्स की वजह से ही आया क्योंकि ड्रॉन विक में भी यही डायरेक्टर ने भरपूर एक्शन डाला है तर 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 केवल गोलियां चलती रहेंगी और रब नहीं चल रही होंगी तो चलने का माहौल बनाया जा रहा होगा क्योंकि ड्रॉन विक में कोई लार्जर एन लाइफ सीक्वेंस नहीं है मसलन गाड़ियां उड़ती नहीं दिखेंगी एलियंस अपने उड़न खटोले से नहीं आएंगे पनडुब्बिया को पानी से बाहर निकाला नहीं जाएगा केवल अलग अलग लोकेशन पर वे अपनी स्किल्स के दम पर लोगों को मारता रहेगा कभी पिस्तौल से कभी तलवार कुल्हाड़ी से और कभी पेंसिल से और इन तमाम सीन्स में आपको थ्रिल आएगा क्यों दो कारण है एक तो डांस ऑफ डेथ के बहुत महीने तरीके से रचा दिए गए दूसरी एक थियोरी है जो गोली न चलने के समय माहौल बनाया जाता है वही एक्शन को कर देता है और जब किल में वालों के हाथ में जाएगा इट मीन ये फिल्म और भी गर्दा उड़ाएगी इंटरनेशनल लेवल पर आप जॉन विक का इंट्रो सीन यूट्यूब पर देख लीजिए ये एक रूसी माफिया जॉन विक का परिचय दे रहा है कि ये आदमी किस कुमत का है और उस अकेले ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में उसके खौफ की टूती है दूसरी तरफ जॉन अपनी बैट्समैन का फर्श तोड़ रहा है अपने गड़े हुए हथियारें निकाल रहा है ये सारी चीज़ें डायरेक्टर ने चार डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से जॉन विक में डाली है अब अब की बारी है तो किल रीमेक की जो वो अपने हाथों में ले चुके हैं तो इसके बाद जो पूरा क्रेडिट जाएगा वो तो बॉलीवुड वालों के साथ साथ उनको भी जाएगा क्योंकि उनकी ये मज़िद बा, मजेदार बात ये है कि ट्रैड ने शुरुआती दौर में एक स्टंट मैन के तौर पर काम किया मैट्रिक्स में कियानो रीव्स के स्टंट डबल ट्रैड ही हैं तो अब देखते हैं कि रीमेक में यानी कि रीमेक में उनका क्या ऐसा एलिमेंट होगा जो लोगों को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा वैसे किल कोई पहली फिल्म नहीं होगी जिसे हॉलीवुड वाले कॉपी कर रहे हैं पुराने गानों से लेकर पिक्चर तक हर साल कई रीमेक तैयार हो रहे हैं कुछ नयापन और क्रिएटिविटी के साथ इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है ऐसे में ऑडियंस भी रीमेक को काफ़ी पसंद करते हैं लंबे वक्त से आप और हम सुनते आए हैं कि बॉलीवुड हमेशा साउथ सिनेमा की कॉपी करता है ऐसा है भी लेकिन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ और हॉलीवुड में भी रीमेक बनते हैं बॉलीवुड फिल्मों की कहानियाँ से इंस्पायर होकर पिक्चर बन चुकी हैं इसमें चौंकाने वाली बात कुछ नहीं है कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो आइडिया पसंद आने पर उसे दोबारा करने का मन अक्सर बना ही लिया जाता है बेशक ऐसे नई क्रिएटिविटी के साथ किया जाता है लेकिन रीमेक तो बनता है जान लेते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनका रीमेक बना है शुरुआत करते हैं सलमान खान की पिक्चर मैंने प्यार क्यों किया से ये फिल्म मैंने कई बार देखी है आपने भी देखी ही होगी सलमान के अलावा मूवी में कटरीना कैफ और सुष्मिता सेन नजर आई थी इसके बाद मुझे ऐसा पता चला कि ऐसी ही एक फिल्म हॉलीवुड में भी बनी है फिर क्या था जिज्ञासु तो हूँ ही मैंने फटाफट जाकर वो पिक्चर देख डाली इसका नाम था जस्ट गो विद इट मैंने प्यार क्यों किया और जस्ट गो विद इट मामला मूवी देखने तक ही नहीं थमा कहानी तो हु बहू एक ड्रेसी थी लेकिन गूगल किया तो मालूम पड़ा दोनों फिल्में 1969 में आई हॉलीवुड पिक्चर कैक्टस फ्लावर से इंस्पायर है दोनों ही पिक्चरों में अलग अलग फ्लेवर देने की कोशिश की गई है लेकिन उस जैसी ही है फिर आते हैं आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म ने बॉलीवुड को हिला के रख दिया था उसकी वजह थी पिक्चर की कहानी पैसों के लिए स्पर्म डोनेट करने वाले विकी और आयुष्मान खुराना के अभिनय को खूब प्यार मिला ये तो हम आपको पहले ही बता दिए कि इस पिक्चर को साउथ में कॉपी किया गया था यहाँ तक कि मामला नहीं था फिल्म का कंटेंट हॉलीवुड को भी बहुत ही इंस्पायरिंग लगा इसी पिक्चर्स से प्रेरणा लेकर फिल्में तैयार की जाती है ऐसे में कहानी चोरी करने का आरोप लग जाता है इन हॉलीवुड फिल्मों के नाम याद कर लीजिए जो, जो बॉलीवुड से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं शाहिद कपूर और करीना कपूर की पिक्चर ड्रवी मेट को कैसे भूल सकते हैं ये भी इसी लिस्ट में शामिल है जिसे हॉलीवुड ने कॉपी किया है लड़की का घर से भागना रास्ते में परेशानियां आना होटल रूम शेयर करना और एक दूसरे की प्रॉब्लम हल करते करते प्यार हो जाना यही कहानी तो इस पिक्चर की है ठीक जब वी मेट की तरह ही हॉलीवुड पिक्चर ली पियो भी है यूं तो इसके फिल्म मेकर ने कभी माना ही नहीं ये कॉपीड है चलो तो कुछ भी कहा जाए हमें क्या हम तो जानते हैं कि पिक्चर इंस्पायर होकर बनाई गई है अगर आपने भी दोनों पिक्चर्स को देखा है तो इसमें सिर्फ एक अंतर दिखता है जहां आदित्य और गीत की कहानी पंजाब बैकग्राउंड पर फिल्माई गई है वहीं ली पियर की स्टोरी आयरिश कल्चर को दिखाती है शाहरुख खान की नाइन्टी के दशक की पिक्चर्स की बात ही कुछ और थी एक एक सीन अगर दोबारा देख लिया जाए तो नॉस्टैल्जिया फील होता है इन्हीं पिक्चरों में से एक है डर इसमें शाहरुख खान एक सरफरे स्टॉकर का किरदार निभाते नज़र आए थे जो जूही चावला के प्यार में इस कदर पागल होते हैं कि अपने सीने पर चाकू से उनका नाम लिख डालते हैं ठीक इसी पिक्चर की तरह हॉलीवुड में भी फियर नाम की फ़िल्म बनाई गई दोनों पिक्चर्स में कई सारे सीन सिमिलर हैं वही स्टॉकर वही सीन पर चाकू और वही सीने पर चाकू पर नाम लिखना बस एक अंतर है इसके हॉलीवुड वर्जन में लड़के को रेट करने का मौका मिल जाता है ऐसा डर में नहीं हो पाता इस लिस्ट में राज कपूर और वैजंती माला की संगम भी शामिल है तो दोस्तों की कहानी जो बचपन के साथ पले बड़े हैं लेकिन एक ही लड़की को दिल दे बैठते हैं गोपाल पहले अपने दोस्त के लिए प्यार की कुर्बानी देता है किस्मत को कुछ और मंजूर होता है एक हादसे में सुंदर की जान जली जाती है पिक्चर है तो अंत तो ऐसा नहीं होगा ऐसे में फिर उनका दोस्त लौट आता है और पहली बार की तरह गोपाल फिर अपनी कुर्बानी दे देता है इस पिक्चर को हॉलीवुड ने भी कॉपी किया वहाँ तैयार हुई फिल्म का नाम था पोल हार्बर नाइनटीन की इस क्लासिक पिक्चर की कहानी को हू हॉलीवुड में फिल्म दिखाया गया और अब बारी है किल की तो 2024 में इस कार में एक बनना कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये कालाग लेवल का पॉन होगा हॉलीवुड में क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं ट्रॉन विक केटशॉट टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसे अक्सर टिफ के रूप में स्टाइल किया जाता है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाले फिल्म समारोहों में से एक है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह हर सितंबर में आयोजित किया जाता है 1978 में इस उत्सव ने पहली बार खुद को टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में एक पूरक नाम के रूप में पेश करना स्टार्ट किया हालांकि इसने फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स को अपने प्राथमिक ब्रांडिंग के रूप में बनाए रखा किल का गाना कावा कावा रिलीज कर दिया क्या है किल मूवी का गाना कावा कावा एक शानदार पंजाबी ट्रैक है जिसे शाश्वत सचदेव ने लिखा है और संगीत बद किया है तथा सुधीर यदुवंशी सजवी और स्वयं शाश्वत सचदेव ने इसे अपनी आवाज दी है पंजाबी संगीत और पॉप तत्वों के मिश्रण से बना कावा कावा गीत लक्ष्य को एक जबरदस्त लड़ाई वाली सीन में दिखाता है इस कहानी में लक्ष्य द्वारा निभाए गए आर्मी कमांडो अमृत की यात्रा को दिखाया गया है जिसमें वो अपने सच्चे प्यार तुलिका के लिए नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में समय के खिलाफ दौड़ लगाता है किल मूवी की कहानी हत्या की अनोखी साजिश पर आधारित है जिसमें तुलिका वो अमृत द्वारा अपने रिश्ते को गुप्त रखना उनके लिए खतरा बन जाता है जब तुलिका का परिवार उसे नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बिठा देता है और उसकी पहले से तय शादी को करा देता है लेकिन कमांडो अमृत दोस्त को अपनी कहानी तय करने देने के लिए तैयार नहीं है वे एक एक बचाव मिशन पर निकलते हैं जो एक भयानक साहसिक कार्य बन जाता है कर्तव्य व भावना के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए क्योंकि कहानी के हर एक मोड़ का मतलब जीवन या मरण हो सकता है किल मूवी से बयां करती है कि एक आदमी अपने भाग्य को फिर से लिखने के लिए प्यार में कितनी दूर तक जा सकता है पसंद किया, जा इस गाने को हरून गेविन ने किया है और सिद्धांत कौशल ने इसके बोल लिखे हैं गाने में किसी खास के करीब होने की लालसा को सुरों में पिरोया गया है इसमें दिखाया गया है कि प्यार कैसे गहराई से अपना प्रभाव छोड़ता है व्यक्ति अपने प्यार के पास होने के अलावा कुछ और नहीं चाहता ये गाना दिखाता है कि एक बार प्यार हो जाने पर इससे बचना आसान नहीं है रेखा ने कहा फिल्म किल को अपनी रिलीज़ के पहले ही काफ़ी प्रशंसा मिल रही है यह अपनी कहानी के हिसाब से खास फिल्म है निकट सिर्फ एक गाना नहीं है वो एक भावना है जो इस गाने को एनर्जी से भर देती है ये गाना अपनी गहरी भावनात्मकता के चलते लोगों के दिलों को छू जाएगा गीतकार सिद्धांत कौशल ने बताया कि ये गाना उस गहरी भावना के बारे में है जिसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति के करीब होना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य एक ऐसा गीत बनाना था जो हर उस दिल को छू जाए जिसने कभी प्यार किया है हमें उम्मीद है कि ऑडियंस भी उसी भावना से इसे जुड़ पाएंगे म्यूजिशियंस हारुण गोविंद ने कहा रेखा जी के साथ निकट पर काम करना एक बहुत ही ख़ास अनुभव रहा हमारा उद्देश्य ऐसा था संगीत तैयार करना था जो ऑडियंस के दिलों को गहराई से छू सके रेखा जी की भावपूर्ण आवाज के साथ ये गाना फिल्म में खास बन गया ये एक ऐसा सफर था जहाँ पहली का हर टुकड़ा सहजता के साथ आया मैं संगीत में कहानी को दुनिया सामने लाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ निदेश में बनने वाली ज्यादातर एक्शन और मार धार से भरपूर फिल्मों में हिंसा का इस्तेमाल अक्सर बहुत ही अनरियल और ग्लोरिफाइड तरीके से किया जाता रहा है एक हीरो ना जाने कितने कितने गुंडों को पीटता चला जाता है और इस तरह से पीटता है कि उसका वास्तविकता से कोई रिलेशन ही नजर नहीं आता लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ इस फिल्म यानी किल को लेकर इतना ज्यादा आर्टिसपेशन है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट भी इसे कहा जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं, नहीं बनाई लेकिन 2020 में सावधान इंडिया के एक, एक एपिसोड में हमने इसे मिलती जुलती कहानी देखी है अगर आप सावधान इंडिया ट्रेन रॉबरी एपिसोड ट्वेल्व सीजन टेन सर्च करते हो तो हॉटस्टार पर आप इजली इसे देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश की रियल स्टोरी है जहाँ एक डाकू का कहर बरसा हुआ था और यूपी पुलिस ने उसे टॉप लिस्ट पर रखा था इस डाकू ने इतना बड़ा अपराध किया जिसने पूरी यूपी को हिला कर रख दिया था इस डाकू का नाम बब्बन डाकू था और इसने अपने शिकार बनाया था गोकुल धाम एक्सप्रेस जिसका सफ़र भरतपुर से लेकर भटनी तक का था जिसमें कॉमनर्स लोग थे और उन्हें ये तक पता नहीं था कि ये ट्रेन का सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र होगा वहीं किल में इसका सफ़र दिल्ली तक है यहाँ बब्बन डाकू के अलावा उसके पांच साथी थे यानी टोटल छः डके और किल की तरह ही इसमें भी एक कमांडो होता है और उसकी मंगेतर सबसे पहले डाकू दो टीसी को ट्रेन के बाहर फेंकता है ये सारे डकैत अपना पिस्तौल गोली बंदूक ट्रेन के बाथरूम में किसी तरह से छुपा के रखते हैं और जब डकैती का वक्त आता है तो ये लोग अपना सारा सामान कट्टा ये सब निकाल लेते हैं उसके बाद ट्रेन में जो मार काट होता है किसी को खंजर मुंह में मारा जा रहा है तो किसी को ट्रेन से गला घोट कर मार दिया जा रहा है इसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं वो कम खौफनाक नहीं थे और किल के एक्शन सीन्स तो वो है ही नेक्स्ट लेवल के करण जौहर के लैंग्वेज में बोले तो ब्लड पॉन कमांडो की मंगेतर को ये बब्बन डाकू अपने कब्जे में कर लेता है उसके बचाने के लिए कमांडो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता और सुबह होते होते तक बब्बन डाकू अपने साथियों के साथ कमांडो की मंगेतर को अपने साथ ले जाता है और उनके और उनका पीछा करते करते कमांडो निकलता है जहाँ उसका कॉन्टैक्ट पुलिस वालों से होता है और वो उनको अपना लोकेशन बताने के लिए उनके लिए एक निशानी छोड़ते हैं जाते हैं जहाँ पर वो ईज़िली पुलिस वालियों से पहुँच सकें उसके बाद क्या होता है कि उसी तरह कमांडो की मंगेतर भी एक निशानी छोड़ देती है वो अपना चूरी उतार के ऐसी जगह छोड़ती है जहाँ से कमांडो को हिंट मिल सके एक दो दिन गुजर जाते हैं लेकिन कमांडो अपनी मंगेतर तक नहीं पहुँच पाता लेकिन एक टाइम आया जब उसकी मंगेतर उन डाकू के चुंगल से निकल के भागती है और उसी वक्त कमांडो अपनी फैंसी को देख लेता है और धुआं धुआंधार एक्शन मार काट के बाद ये लोग मिल जाते हैं और वह बंदाकू और उसके साथियों की मौत हो जाती है कमांडो के हाथों किल में भी ऐसे ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज है कमांडो रॉबरी फैंसी और बहुत सारे एक्शन वैसे भी फिल्म के डायरेक्टर जो है नागेश वो बिलोंग करते हैं बिहार से उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं और इन सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किल बनाने का प्लान किया हाँ ये बात है कि ये एग्जैक्ट फिल्म नहीं होगी जो इस एपिसोड में थी बट हाँ इससे मिलती जुलती कहानी है क्योंकि इससे इंस्पिरेशन कहा जा सकता है फिल्म किल का टैगलाइन है इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म यानी भारत की सबसे हिंसक फिल्म मूवी किल में जिस तरीके से और जिस बड़े पैमाने पर हिंसा दिखाई गई है उससे फिल्म की टैगलाइन सही साबित होती दिखाई दी लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जोहर और गुण मंगल द्वारा मिलकर प्रोड्यूस की गई ये फिल्म कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है चलती ट्रेन में के बाद एक जिस तरह से हत्या होती है वो बहुत ही खौफनाक है दिल की धड़कनें दो गुना क्या बहुत गुना बढ़ जाएगी और हर बार आपको लगेगा कि मूवी में दिखाई जा रही क्रूर किस्म की हिंसा को अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ये उन दिनों की बात है जब अखबार गांवों तक नहीं पहुँच पाते थे और फिल्मों के बारे में वहाँ तक जानकारी पहुँचाने का इकलौता माध्यम होता था रेडियो राजकुमार कोहली की फिल्म रानी दुश्मन 1979 में रिलीज़ होने से पहले उसके विज्ञापन आते थे जिसमें खास तौर से एक चेतावनी होती थी कि कमज़ोर दिल के लोग और गर्भवती महिला इसे ना देखें ऐसी ही कुछ वैधानिक चेतावनी फिल्म किल के ट्रेलर के साथ भी जारी की गई थी नाट्य शास्त्र यदि आपने जाना समझा है तो पता होगा कि श्रृंगार हास्य करुण और शांत रसों के बारे में ही इनमें महत्ता मिली है रौद्र वीर भयानक और विभत्स रसों का या रस गिनने के बाद बारी आती है नौवे रस यानी अद्भुत की किस नाटक में कौन से रस की कितनी मात्रा है इसी नाटक पर और दर्शक के बीच का रिश्ता निर्भर करता है फिल्म किल में बाद वाले चारों रस कूट कूट कर हैं और पहले वाले चार रसों के छीटे हैं फिल्म अद्भुत है केवल व्यसकों के लिए है और फिल्म एनिमल को सुपरहिट बनाने वालों के लिए इस साल का बेहतरीन सिनेमाई तोहफा है नई सदी के चौबीसवें साल में हिंदी सिनेमा की ये नई अंगड़ाई है और इससे भी संकेत मिलता है है। कि असल हिंदी सिनेमा की अब आने वाली भारतीय सिनेमा विदेश में भी अब तक शाहरुख खान के सहारे ही अटका रहा है लेकिन सितारों का सम्मोहन दर्शकों के मन में मंदिर से हट रहा है वे कहानियाँ और उन्हें कहने के तरीकों पर फिदा हो रहे हैं निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म अपूर्वा जब मैंने देखी थी उससे पहले ही किल के बारे में खबरें आने लगी थी इस मूवी को देखने की बेताबी खूब रही और इस बेताबी के बारे में फिल्म के निर्माताओं और निर्देशकों को भी जानकारियां मिलती रही हैं ये किल बनाने वाले का आत्मविश्वास ही है कि केवल व्यसकों के लिए बनी एक फिल्म को ये रिलीज के पाँच दिन पहले से लोगों को दिखा रहे हैं और कहीं किसी तरह के रोक टोक भी नहीं लगा रहे कि रिव्यू शुक्रवार की, की सुबह ही प्रकाशित होनी चाहिए सनद रहे संदीप रेड्डी बंका की फिल्म एनिमल शुक्रवार की सुबह ही फिल्म समीक्षकों को दिखाई गई थी किल हिंसात्मक दृश्यों के मामले में एनिमल पर भारी है और छोटे पर्दों पर होब नाम कमाने के बाद इस मूवी से बड़े पर्दे पर अपनी बोहनी कर रहे अभिनेता लक्ष्य की मासूमियत रणबीर कपूर से कम नहीं है सनद ये भी रहे कि धर्मा प्रोडक्शन से घोषित उनकी दो फिल्में दोस्ताना टू और बेधड़क तमाम शोरगुल के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है एक मासूम इंसान के पास जब खोने को कुछ नहीं होता तो वो या तो बहुत हिंसक हो जाता है या फिर बिल्कुल शांत मूवी केल की कहानी एन एस जी कमांडो के अपने यूनिट लौटने से शुरू होती है जहां कैप्टन अमृत राठौर के अपना मोबाइल ऑन करते अपनी प्रेमिका की रांची में सगाई करने की खबर मिलती है वो रांची भागता है प्रेमिका को भगाना चाहता है मिशन के साथ देने उसका दोस्त वीरेश भी आया लेकिन एन मौके पर लड़की के तैयार न होने से ऑर्बिट का सिग्नल देना पड़ता है दोनों अब दिल्ली लौट रहे हैं एक ही ट्रेन में है रांची से चली राजधानी पर अगले स्टेशन से ही तीन चार दर्जन बदमाश चढ़ जाते हैं ड्रामर से मोबाइल नेटवर्क फेल करके डकैती डालना इनका मकसद है बस इस सब के बीच एक हादसा ऐसा हो जाता है कि रक्षक ही राक्षस बन जाता है कुछ घंटे पहले तक अपनी प्रेमिका से कूची कूची रकमा कर रहा हीरो जैसे ही अपना रूप बदलता है उसके बाद फिल्म में बस लाशों के ढेर लग जाते हैं मरने वालों के शरीर ऐसी ऐसी जगहों से टूटते और रूप बदलते हैं कि एक बार तो देखकर ही सरहन हो जाती है जी हाँ बहुत ही मजबूत कलेजा चाहिए इस फिल्म किल को देखने के लिए लेकिन इस मूवी का मनोविज्ञान कुछ और भी है निखिल नागेश भट्ट ने अपनी कहानी की पटकथा को कुछ इस तरह आगे बढ़ाया है कि बदमाशों के हाथों हुआ अत्याचार वो पहले दिखाते और फिर इसकी प्रतिक्रिया को इस हद हाँ तक दर्जे देते हैं हिंसक बनाते हैं कि इस तांडव में भी दर्शकों का मनोरंजन होने लगता है फायर एक्सटिंग्विशर से जब अमृत राठौर एक बदमाश के सिर को पीट पीट कर पराठा बना देता है तो वो भिवत्स रस के सारे अवयव होने के बाद भी दर्शक उसमें नायक का वीर तत्व देख रहे होते हैं कहानी में अमृत और तुलिका के रोमांस की अंत धारा है और एक बार तो लगता है कि अपने मिलन की 30th एनिवर्सरी मनाने के नाम पर दोनों गाना तो नहीं गा देंगे लेकिन निखिल ऐसा कुछ नहीं करते पूरी फिल्म में शायद एक गाना है जो बैकग्राउंड में बजता है डांको राखी सैयां जैसा कुछ-कुछ फिल्म के लेखक निर्देशक निखिल नागेश भटकी कल्पना का कमाल है और इस कल्पना को फिल्म के पर्दे तक पहुंचाने के जो दो उससे भी बड़े कमाल जो किए गए हैं उनमें फिल्म के सिनेमेटोग्राफर रफ़े महमूद और प्रोडक्शन डिज़ाइन मयूर शर्मा का नाम सबसे पहले आता है पर्दे पर दिखने वाली रेल गाड़ी दरअसल तकनीकी कौशल का एक ऐसा नमूना है जिसमें ट्रेन के डिब्बे पूरे के पूरे स्टूडियो के भीतर तैयार किए गए और वे भी ठीक असल रेल गारी की तरह ये सारे डिब्बे कहीं से भी खिसकते नहीं हैं ट्रेन के सारे हिस्सों को शूटिंग के हिसाब से आगे पीछे खिसका कर फिल्म बनाई गई है लेकिन मूवी देखते समय ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है हाँ मूवी देखने के बाद अगर आप इस फिल्म की मेकिंग का वीडियो देखेंगी तो ज़रूर अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे निखिल नागेश भट्ट ने फिल्म अपूर्वा में ऐसा ही करिश्मा अपने सिनेमेटोग्राफर आयुष्मान महाले के साथ किया था दोनों फिल्मों का संपादन शिव कुमार पैनिकर ने ही किया है और उनका हुनर भी फिल्म के हर सीन्स में साफ दिखाई देता है मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी में से ये ये योंग ओ परवेश व शेख की जुगलबंदी भी बहुत ही तारीफे है लायक है वॉर और टाइगर थ्री जैसी फिल्मों के बाद से ये ऑंग ओ ने फिर एक बार दृढ़ दृश्यों की संरचना में अपना खास कौशल दिखाया है। सिनेमा में इन दिनों एक प्रयोग इमर्स सिनेमा को लेकर चल रहा है फिल्म किल का जो हॉलीवुड रीमेक बनने जा रहा है अगर उसे किसी तरह टूवल टी सेटअप में शूट किया जाए और दर्शक खुद को ये सब होते हुए ट्रेन के डिब्बे में ही महसूस करिए तो उसका रोमांच बिल्कुल ही आ, अलग होगा फिल्म के पूरे रोमांच को जीने में इस मूवी से अपनी अभिनय यात्रा शुरू कर रहे लक्ष्य ने बहुत मेहनत की है मूवी को शुरू आखिर तक अपने कंधों पर संभाल कर भागते लक्ष्य ने भी साबित किया है कि वो एक एक्शन स्टार बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी कहानी और एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र चाहिए जिसमें ऑडियंस खुद को हीरो के साथ फंसा हुआ महसूस कर सके निखिल ने हिंदी सिनेमा को लक्ष्य के रूप में एक नया स्टार दिया है और इसी फिल्म में से हिंदी सिनेमा को एक नया खलनायक भी राघव ज्वेल के रूप में मिला है गुणित मोंगा ने टीवी के दो बॉय नेक्स्ट ओ लड़कों को उठाकर एक्शन स्टार बना दिया है राघव टोवेल की अदायगी में हालांकि कहीं कहीं चाइना गेट के मुकेश तिवारी की झलक नजर आती है लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस की क्रूरता बहुत ज्यादा डरावनी है जो कि बहुत डराती है पानी का अपने पिता के साथ मस्करी का अंदाज़ भी राघव जुवेल ने अच्छे से किया फिल्म किल की कहानी के हिसाब से ये फिल्म लक्ष्य और राघव जुवेल की ही है लेकिन दोस्त की भूमिका में अभिषेक चौहान ने इस मूवी में कुर्बानी के रंग भरे हैं तो कुछ कुछ मौसमी ट्रैटजी जैसी दिखती तानिया या मनी कतला की बड़े बड़े दीदों वाली आंखें और उनकी बिहारी लहजे के साथ हिंदी बोलने का अंदाज़ ऑडियंस को याद रह जाता है अपने उजटू बेटे की हरकतों के चलते अपने पूरे खानदान को चलते ट्रेन में एक एक कर मरते देखने वाले डकैतों के सरगना बने के किरदार में आशीष विद्यार्थी ने भी प्रभावित किया मूवी किल हिंदी सिनेमा में केवल व्यास्य फिल्मों के लिए न सिर्फ एक नया बेंचमार्क साबित करती है बल्कि ये भारतीय सिनेमा में तकनीकी कौशल में भी एक नए मुकाम को हासिल करने में सफल रहती है लेकिन नागेश भट्ट को उसके हॉलीवुड रिमे का मौका मिलना ही चाहिए क्योंकि इस फिल्म को बनाने का उनका अभ्यास सौ परसेंट नतीजे लायक रहा है राघव जुअल द्वारा अभिनय के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है लेकिन फानी का अपना एजेंडा है जो अराजक घटनाओं की एक श्रृंखला को स्थापित करता है जैसे जैसे कार्रवाई तेज होती है और ट्रेन आगे बढ़ती है अमृत और फानी अपने पागलपन में टकराते हैं पहली नजर में ये एक कमांडो बनाम के गिरोह की सीधी सादी कहानी लग सकती है पिक्चर तो अभी बाकी हुई है। शुरुआत से ही हर एक स्क्रीन आपको ये पूछने के लिए प्रेरित करती है क्या यह सारी हिंसा एक्चुअल में जरूरी है यदि नहीं तो इन लोगों को खलनायक से बचाने के लिए कौन कदम उठाएगा राघव ने जो रोल अदा किया है वो काबिले तारीफ है बता दें कि ये राघव की पहली एक्शन फिल्म नहीं है इससे पहले भी राघव ने एक्शन में अपना हाथ आजमाया है और तारीफें लूटी हैं इस मूवी का नाम है युद्धरा जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी मेन लीड में थे इस फिल्म के लिए एक्टर ने इस फिल्म की तैयारी के लिए बॉक्सिंग ट्रेनिंग दी है वो फिल्म में धमाकेदार एक्शन और स्टंट करते नजर आए इस बारे में राघव का कहना है कि इस बारे में राघव का कहना है मैंने पहले भी बॉक्सिंग की है मगर कुछ वक्त बाद इससे ब्रेक ले लिया हालांकि जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मैंने फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी फिल्म के लिए ये मददगार है राघव ने बताया कि युद्धरा एक शानदार एक्शन फिल्म है इसमें अपने किरदार को बखूबी पेश करने के लिए इस स्किल की जरूरत पड़ी रवि उघावर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मालविका मोहन ने भी लीड रोल में है हृदय सिद्वानी और फरहान अख्तर की एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर ते यह फिल्म प्रोड्यूस हुई है उनके डांस के अनोखे स्टाइल के लिए उन्हें किंग ऑफ स्लो मोशन भी कहा जाता है राघव डोवेल ने छोटी उम्र में अपनी डांसिंग स्किल से काफी शोहरत हासिल कर ली थी छोटी उम्र का एक लड़का जो अपने घर से डांसिंग शो में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आया था अब आठ फिल्मेकर स्टार बन चुका है राघव जोैल आज तैतीस साल के हो चुके हैं राघव जोैल ने डांसिंग रियलिटी शो में अपना सिग्नेचर डांस स्लो मोशन कर सभी का दिल जीत दिया था इस रियलिटी शो में राघव को के कुछ एपिसोड के बाद बाहर कर दिया गया था लेकिन शो के जज मिथुन चक्रवर्ती ने राघव को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाई थी इसके बाद राघव ने खुद अप को बहुत बदला और अपनी डांस में कमाल कर दिखाया इसके बाद राघव शो के स्टार कंटेस्टेंट बन गए डांसिंग में खूब नाम कमाने के बाद राघव शो भी होस्ट करने लगे राघव ने कई डांसिंग रियलिटी शो भी होस्ट किए साल 2014 में राघव ने अपनी फिल्म सोनाली केबल के जरिए बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत की इस मूवी से शुरू हुआ राघव का ये सफर धड़ल्ले से जारी है राघव अब तक आठ से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं राघव जोल ने हाल ही में सलमान खान की स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था इसके अलावा राघव कई फिल्मों में लीड रोल भी कर चुके हैं साल 2015 में रेमो डिसोजा की फिल्म ए बी टू में राघव जोयेल ने कमाल का डांस दिखाया इस फिल्म को लेकर राघव जोयेल की खूब तारीफ भी हुई थी और अब किल में भी तारीफ बटोर रहे हैं राघव राघव लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं स्टार प्लस चैनल पर आने वाले रियलिटी शो डांस प्लस के लगातार चार सीजन राघव होस्ट कर चुके हैं राघव की होस्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आती है उनका होस्ट करने का तरीका मजाकिया तरीका बहुत ही अच्छा है शो होस्ट करने के साथ राघव ऑडियंस को खूब एंटरटेनमेंट भी करते हैं शो की जज शक्ति मोहन के साथ राघव की मजेदार केमिस्ट्री भी शो को खूब टीआरपी दिलाती थी राघव जुवेल बहुत ही अच्छे एक्टर बन चुके हैं आज फिल्मों के बाद राघव ने कहा मैंने विश्वास ही नहीं रखता मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है मैं आउटसाइडर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ जिसे धर्मा प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला ये सब कड़ी मेहनत से हुआ है लोगों को अपने काम पर फोकस करना चाहिए देर सवेर ही सही वे अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा तब छड़ा जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 2017 में कॉफ़ी विद करण शो में होस्ट करण जौहर को नेपोटिज्म का किंग कहा था वहीं राघव की बात करें तो वो इन दिनों फिल्म किल को लेकर बहुत ही चर्चा बटोरे हैं और तारीफ भी इसमें वो खतरनाक वलन फानी का किरदार निभा रहे हैं राघव ने कहा कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह का क्रूर किरदार निभाएंगे एक्टर ने कहा ये मेरे करियर में पूरी तरह से 180 डिग्री का बदलाव है इसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ फानी कोई आम खलनायक नहीं है वो बेरहम है और ज्यादा खतरनाक है किल को हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म माना जा रहा है इसे करण डोहर और गुणित मोंगा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है दो में उन्होंने सेंट बेस्ड रियलिटी शो फीओ फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सेवन में हिस्सा लिया जिसे एक्टर अर्जुन कपूर ने होस्ट किया था राघव ने 2014 में सोनाली केबल में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की इस तरह से उन्होंने बहुत सारी फिल्मी की और अब किल उनका नाम के दे रही है एक आर्मी कमांडो और अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद डकैत से बदला लेने की भावना से सबको ढेर करने वाले हीरो के रूप में लक्ष्य लालवाली ने अपने किरदार को बखूबी अंजाम दिया है एक्टर के तौर पर लक्ष्य का काम और कॉन्फिडेंस देखकर कहीं से भी ये महसूस नहीं होता है कि किल उनकी डेब्यू फिल्म है उनकी शख्सियत हिंदी फिल्मों के हीरो ड्रेसी है और संभावनाओं से भरी है ये उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से साबित कर दिया है एक उनकी डकैत के रूप में राघव ज्वेल और उनके खूंखार पिता के तौर पर आशीष विद्यार्थी भी काफ़ी प्रभावित करते हैं और अपनी अपनी अदाकारी से फिल्म को और भी अधिक इंटरेस्टिंग बनाने में मददगार साबित होते हैं चाहे फिल्म किल का लेखन निर्देशन हो मूवी की सिनेमाटोग्राफी हो एडिटिंग हो बैकग्राउंड स्कोर हो फिल्म के हर एक पहलू को इस तरह से एक सूत्र में पिरोया गया है फिल्म रोमांच के अलग ही मुकाम पर पहुंच जाती है करण जो अपनी फिल्मों में भले ही रोमांस डांस और पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बुनते हों लेकिन बतौर निर्माता वो प्रयोग करने से गुरेज नहीं कर रहे उन्होंने गुणित मोंगा और अचिन जैन के साथ मिलकर किल का निर्माण किया निखिल नागेश भट्ट पहले तारा अभिनत फिल्म अपूर्वा का निर्देशन भी कर चुके हैं उसमें भी हिंसा का क्रूर रूप वो दर्शा चुके हैं किल की कहानी निखिल के आयशा सैयद के साथ मिलकर लिखी है वो शुरुआत में किरदारों को स्थापित करने में ज्यादा समय नहीं लेते और मुद्दे पर आते हैं डकैतों के साथ मुठभेड़ आरंभ होने के बाद बीच बीच के प्रसंग उसे और गहराते हैं अभिनेता लक्ष्य लालवानी ने हाल ही में करण जोहर की फिल्म किल में कमांडो की भूमिका निभाने के लिए किए गए कठोर प्रशिक्षण के बारे में भी बात की अभिनेता ने कहा कि उन्होंने इस भूमिका के लिए नौ महीने तक ट्रेनिंग ली एक बयान में इस बारे में बात करते हुए लक्ष्य ने कहा जब मैं सत्रह अठारह साल का था तब मैंने इस पूरी यात्रा में एक पहलवान के रूप में शुरुआत की मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ कुश्ती की और इस फिल्म के दौरान भी हमने लगातार आठ या नौ महीने तक ट्रेनिंग लिया तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारा ट्रेनिंग शामिल है इससे पहले करण जौहर ने एक्शन फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था ये भारत में बनी सबसे हिंसक फिल्म है यानी वायलेंट फिल्म है हमने इससे पहले कभी इतनी वायलेंस फिल्म नहीं बनाई है और मेरे ड्रेस फिल्म निर्माता के लिए जिसने अपने पूरे करियर में थप्पड़ खाया एक अभिनेता द्वारा दूसरे अभिनेता को जोरदार थप्पड़ मेरे लिए इस तरह की फिल्म को प्रस्तुत करना और उसका निर्माण करना शैली का एक पूर्ण बदलाव है लक्ष्य लालवानी पहले करण जोहर की फिल्म दोस्ताना के सीक्वल से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे थे उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी मगर किन्हीं कारणों की वजह से इस फिल्म को बंद करने का फैसला लिया गया था इस मूवी में लक्ष्य कार्तिक और रानवी कपूर के साथ नजर आते अपने लुक से भी सभी को दीवाना बनाने वाले लक्ष्य बॉलीवुड में कदम रखने से पहले टीवी की दुनिया में काम कर चुके हैं वो टीवी के फेमस एक्टर्स में से एक है लक्ष्य ने वॉरियर हाई प्यार तूने क्या किया परदेश में है मेरा दिल अधूरी कहानी हमारी और पोरस जैसे कई सीरियल्स में काम किया उन्हें असली पहचान सीरियल पोरस में काम करने से मिली थी पोरस के बाद से ही लक्ष्य बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं लक्ष ने अपनी टीवी करियर की शुरुआत वॉरियर हाई से की थी वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के बीच काफी पॉपुलर भी हैं वो अपनी डैशिंग लुक में फोटो शेयर किया करते रहते हैं और फैंस से अपना प्यार लूटते रहते हैं की लीड हीरोइन मनी कतला अपनी खूंखार मूवी से चर्चा में आ चुकी हैं मीरा नायर की वेब सीरीज दी सूटेबल पोई में तानिया मनी कतला ने अपने अभिनय और खूबसूरती से सबका ध्यान खींचा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया की प्रतिभागियों में से एक के रूप में चुने जाने से लेकर संतोष सिवन की मुंबई कर ओ एंथोलॉजी फील्स लाइक इश्क और वेब सीरीज चुटुजपा में भूमिकाएं हासिल करने तक तान्या मनी कथला के अभिनय में बहुत कुछ दमखम है हालांकि उन्होंने कभी को ये कहते हुए चौंका दिया कि उसने अपने पहले शो फ्लेम्स के बाद एक समय पर अभिनय छोड़ने का डिसीजन ले लिया था उन्होंने बताया ये मेरे लिए खुद बहुत ही अनबिलीवेबल था मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में कुछ भी होने की उम्मीद नहीं की थी इसलिए मेरे करियर के इस चरण में बाफ्ता, ब्रेक थ्रू इंडिया हो रहा है और मुझे उन दस प्रतिभागियों में से एक के रूप में चुना जा रहा है जहां मुझे बातचीत करने का मौका मिला और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ द्वारा सलाह मिलेगी मैं भाग्यशाली महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं चमत्कारों में ज़्यादा विश्वास करती हूँ तानिया ने अपने अभिनय की शुरुआत वेब सीरीज़ फ्लेम से की जब वो कॉलेज में थी शो के रिलीज़ होने के बाद उन्होंने सोचा कि हर कोई उन्हें ऑफर से भर देगा और वो बॉलीवुड स्टार बन जाएगी उन्होंने याद किया मैं दिल्ली से हूँ मुझे नहीं पता कि मनोरंजन का व्यवसाय कैसे काम करता है इसलिए मैंने सोचा कि एक शो करने से मुझे काम फिल्म में आदि की श्रृंखला मिल जाएंगी मैं आक्चुअल में बहुत ही भोली थी मैं ऑडिशन देती रही थी और अस्वीकृति का सामना करना शुरू कर दिया अभिनेत्री ने साझा किया कि यही वो समय था जब मैंने खुद पर संदेह करना स्टार्ट कर दिया और अभिनय छोड़ने के बारे में सोचा मुझे लगता है कि किसी भी उभरते अभिनेता या कलाकार के लिए आत्मसंदेह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है तो सभी आत्मविश्वास को दृढ़ विश्वास को तोड़ सकता है आपको लगता है कि आपका सपना टूट गया लोग कर सकते हैं अपने चेहरे पर कठोर एक ऑडिशन में अस्वीकार करते मैं शिकायत नहीं कर रही हूं लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं युवा भी थी और भोली थी अभी भी कॉलेज में थी और इसके लिए तैयार नहीं थी कुछ समय के लिए उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी में एक कॉपीराइटर के रूप में नौकरी की और अभिनय में बड़ा करने के अपने सपने को छोड़ दिया तानिया ने कहा मैं अपने दोस्त की आभारी रहूंगी जिसने मुझे री सुटेबल बॉय के ऑडिशन के लिए जाने के लिए बहुत ही प्रेरित किया और शुरू में ऑडिशन के बाद मुझे ट्रेन कॉल मिलने की उम्मीद थी बल्कि मैं उच्च अध्ययन के लिए मेलबर्न जाने के तैयार थी मेलबर्न जाने से पंद्रह दिन पहले मुझे बताया गया था कि मीरा नायर दी अंतिम ऑडिशन देना चाहती है और वो दिल्ली आ रही है उन्होंने हस्ताक्षर के लिए आखिरकार मुझे वो भूमिका मिली और मीरा दी ने मुझे उस आत्मविश्वास को बनाने में मदद की जो मैंने पहले सभी अस्वीकृति के कारण खो दिया था उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर मुझे ख़ुद पर विश्वास है अगर मेरा कोई सपना है और उस पर काम करना है तो कोई नहीं है जिस तरह से मैं इसे हासिल ना कर पाऊँ किल में तानिया की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और उनके फैंस बढ़ भी गए हैं आइए जानते हैं तानिया मनी कतला की कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में 7 जुलाई 1997 को दिल्ली में पैदा हुई तानिया मनी कतला फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर अदाकारा हो गई हैं तानिया मनिकतला की फैमिली ने उन्हें पढ़ने के लिए दिल्ली की जनकपुरी के सेंट फ्रांसिस दी सैलस ऑफ स्कूल में भेजा ताना मनिकतला को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंटरेस्ट थी इस वजह से आकृष ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद अंग्रेजी लिटरेचर से अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया तानिया मनिकतला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री की अदकारा अपनी लाइफ में एक कापी राइटर भी रह चुकी हैं

तानिया के अलावा रसिका दुग्गल राम कपूर नमिता दास विजय वर्मा रणवीर शौरी और रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स भी शामिल थे हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा प्यार तानिया के रोल लता मेहरा को ही मिला था हालांकि अपने से बेहद कम उम्र के लड़के संग इंटरमेट सीन और लव मेकिंग सीन से तब्बू को लोगों ने काफ़ी सुनाया था जबकि तानिया का रोल काफ़ी सादगी से भरा था जिसे देख हर कोई अपना दिल हार बैठा था तब्बू के लिए ओ टी प्लेटफॉर्म पर आना पहली बार था जबकि तानिया के लिए ये ओ टी सफ़र दूसरी बार था हालांकि इस बार उनके साथ कई बड़े सितारों के फौज थे अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि तानिया को तब्बू की तरह काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन स्पेस टाइम मिला है ओ टी के ज़रिए वो अपना जब पहचान बनाने में नाकाम हुई तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उच्च अध्ययन के लिए मेलबर्न जाने की तैयारी करने लगी थी लेकिन मेलबर्न जाने से पंद्रह दिन पहले उनकी लाइफ में चमत्कार हुआ और मीरा नायर का कॉल आ गया उन्होंने फाइनल ऑडिशन के लिए उन्हें बुलाया और वो फिर सेलेक्ट हो गई और अब किल में उनकी स्किल्स हम इजली देख सकते हैं और खूब तारीफ भी कर सकते हैं में रिलीज होने से पहले ही इस मूवी को कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है मूवी की काफ़ी तारीफ भी हुई थी हाल ही में अनुराग कश्यप ने भी मूवी को भारत की सबसे बढ़िया एक्शन फिल्म बताया किल में राघव ज्वेल लक्ष्य और ताना मनिकतला जैसे कलाकारों ने बेहद उत्तम काम किया हर बाल की हाल की ये चाल भी खा जाए इसके हाथ पड़ जाए जो महीने साल भी खा जाए किसी बेहाल का बचा जो हाल भी बेहाल खा जाए बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए लालू का लाल खा जाए नक्सल बाड़ी की नाल खा जाए बचपन का धमाल खा जाए बुढ़ापे की शाल खा जाए हया तो छोड़ो बेहया की चाल भी खा जाए और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए अनुराग कश्यप एक खुला सांड, लंबी सुडोल सिंगे जिस पर उसे ओमान है सिंगे जो कुछ भी भेद सकती है सड़क पर चलता किस ओर दौर जाए मालूम नहीं बात चाहे एंटी स्मोकिंग डिस्क्लेमर पर सरकार को चुनौती देने की हो या उस देश में जहां टिकट से ज्यादा पॉपकॉर्न के पैसों से कमाई होती है वहां साढ़े पांच घंटे दुनिया उसने अपने स्थान विशेष पे टिकाई हुई है शेष नाग ने तो फिर भी अपने फन पे टिकाई थी अनुराग कश्यप बिहार का वो लाला जिसने बहुत पहले ही जान लिया था कि ये दुनिया बड़ी गोल है वो जिसके नयन पहली रिलीज को देखने को तरस गए जो कामयाबी का पत निहारते थक गए जिसके सुनहरे दिन काली रात में ढल गए जिसका खून सौ में नब्बे काला है वो जो पक्का बेहूदा है जिसके खाल में कीड़े रोंगते हैं वो जिसकी नीयत में फफूंद की परतें लगी हुई हैं वो जिसने नाखूनों से खुद के छाले फोड़े हुए हैं गनमित है कि जिसका दिल पत्थर हो चुका है जिसने शाम की चौखट पर सारी शर्म छोड़ दी वो जिसका दिल है, जिसने गोली मारने से नहीं कह लेने में अपना विश्वास बनाया रखा। बनवाया अपनी फिल्म के प्रीमियर पर पहनने के लिए ब्लैक फ्राइडे बॉम्बे बम ब्लास्ट पर बनाई फिल्म रियल लोकेशंस और असली नामों के साथ केस अभी अदालत में ही था कश्यप प्रीमियर पर जाने के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतरे गेट पर वॉचमैन बोला कि आप वापस ऊपर बुला लिया जाएगा गया ऊपर पहुंचा तो एक फ़ोन कॉल वेट कर रहा था फ़ोन पे बात कर रहे वो अपने कमरे में घुस गए शराब की बोतलें लेकर लेकिन तीन दिन तक वही सूट पहने उसी कमरे में बैठा शराब पीता रहा तीन दिन बाद कमरे से बाहर की दुनिया देखी फिल्म पर बैन लग गया था फिल्म रिलीज़ हुई सालों बाद लेकिन तब तक भरपूर मात्रा में इसकी पायरेसी हो चुकी थी कश्यप वो डायरेक्टर हैं जिसे टॉरेंट ने बनाया जिसकी पहली फिल्म पाँच के घटिया प्रिंट को लोगों ने यूट्यूब पर देखा ऐसा प्रिंट जिसमें आवाज़ और सीन्स के बीच सिंक नहीं है तमन्ना है कि कभी इतमान से मिलो तो पैन ड्राइव में पाँच डलवा लूँ नो स्मोकिंग बनाई तो बाबा गरोल में पंकज कपूर से बात की पंकज ने कहा कि एंगल सही नहीं है कश्यप ने कहा पंकज इस फिल्म के लिए सही नहीं है फिल्म कश्यप की थी तो आंगल भी कश्यप का होना था पंकज कपूर की जगह ली परेश रावल ने और यही अनुराग कश्यप की फिल्म इंडस्ट्री में कुल जमा कमाई है उसकी जिद उसकी इंस्टिक्ट और उसका मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ एटीट्यूड वो चाहे भगवान के खिलाफ हो समाज के खिलाफ हो पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ हो मालूम है लाइनें सरकार की हैं फिर

ये वो बच्चा है जो किवाड़े खुले पाकर सीधे बाहर खेलने दौड़ जाता है आज कश्यप इस बात का अफसोस जताता है कि नई नस्ल को खेलने को खास लगी जमीन नहीं मिल रही क्योंकि उसकी खुद की अयुराग कश्यप बनने की शुरुआत इन्हीं मैदानों से हुई थी अपने में ही बिंधा हुआ चुप रहने वाला दुनिया के दोगलेपन पर अपनी फिल्मों में उसे मन भर कोसने वाला लिखने का कीड़ा और अगले को उसकी औकात बताने का फितूर पाले अनुराग कश्यप हमें अंधेरे में आईना दिखा रहा है वो चाहे अगली के कुकुम हो या रमन राघव में अंदर तक खखोर कर रख देने वाली भाई बहन की एक कहानी इसकी फिल्मों में गाली गलौज होती ही है खून उतना ही बहता है जितना इंसानी शरीर में होता है मगर वो सच्चा बहता है लंबे शॉट्स मिलते हैं जब कोई कहता है कि ऑडियंस बोर हो जाएगी तो कहता है होने दो शालीनता और संस्कारों की चड्डी उतार के नंगा हो चुका कश्यप जब इतना सब कुछ कहता बनाता है तो शायद वो दुनिया से मुखातब होकर चीख रहा होता है इतना भी जो कर ना सके तो फिर काहे का गुद्दा तेरी खाल में रंगे कीड़े तो सच्चा बेहुदा ये अनुराग कश्यप ऐसी ही फिल्में बनाते हैं किल टाइप की तो उन्होंने उन्हें ये फिल्म यानी किल बहुत ही पसंद आई है और अब जहाँ तक कि ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप भी किल से रिलेटेड और उससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक एक्शन सीन्स गाली गलौज के साथ फिल्म बना सकते हैं गैंग्स ऑफ वॉसिपुर तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है लेकिन किल उससे भी ऊपर है वैसे एक किल मूवी में सबसे बड़ा नाम है कोरियन एक्शन डायरेक्टर सी युग ओ का युंग से पहले कोरियन ब्लॉकबस्टर ओ टू माई फादर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जीरो और भारत जैसी फिल्मों का एक्शन डिजाइन कर चुके हैं ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट के लिए भी एक्शन इन्होंने ही तैयार किया था दूसरे एक्शन डायरेक्टर हैं परवेज शेख हिंदी फिल्मों के बेहद काबिल स्टंट कोरियोग्राफर माने जाते हैं परवेज अपने करियर में रावण एक था टाइगर सुल्तान बैंग बैंग और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं उनकी लास्ट फिल्म थी फाइटर और टाइगर थ्री सी यंग दक्षिण कोरियाई एक्शन डायरेक्टर और फाइट मास्टर हैं परवेज और सी यंग दोनों ने ही टाइगर थ्री भी कोरियोग्राफ की थी उन्होंने 2002 यानी सी यंग ने 2002 में फिल्म सिंपैथी फॉर मिस्टर विजन्स में स्टंट कोऑर्डिनेट के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था तब से उनके पास एक विशाल फिल्मोग्राफी है उन्होंने कोरियाई उद्योग के भीतर और बाहर कई परियोजनाओं पर स्टंट कोऑर्डिनेटर स्टंट मैन एक्शन कोऑर्डिनेटर स्टंट ड्राइवो एक्शन डायरेक्टर एक्शन कोरियोग्राफर और सहायक स्टंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया है हालांकि स्टंट के रूप में उनका काम दो में फिल्म स्नोपियरसर में देखा गया जिसने उन्हें प्रसिद्ध दिलाई वो 2015 में मावल मूवी एवेंजर्स दी एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टंट कोऑर्डिनेटर भी थे जिसने उन्हें अपने क्षेत्र में स्थापित किया उन्होंने 2016 में स्टंट कोऑर्डिनेटर के रूप में फिल्म फान से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की उसके बाद उन्होंने दो में स्टंट कोऑर्डिनेटर के रूप में जीरो में भी काम किया 2019 उनके लिए बॉलीवुड में काफ़ी बिजी साल रहा उन्होंने पहले जंगली में एक एक्शन डायरेक्टर के रूप में भारत में स्टंट कोऑर्डिनेटर के रूप में और फिर वॉर में एक एक्शन डायरेक्टर के रूप में काम किया वॉर ने उन्हें अपने एक्शन सीक्वल के लिए भारतीय फिल्म उद्योग में तीन अवार्ड्स दिलाए जिनमें से एक स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और एक फिल्म फेयर से मिला और किल का एक्शन देखिए क्लियर होता है कि इस बार उन्हें अवार्ड्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता वहीं परवेज शेख एक भारतीय बॉलीवुड स्टैंड निर्देशक हैं उनका जन्म भारत में हुआ उन्होंने कई एक्शन थ्रिल फिल्मों में काम भी किया है वो पिछले कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया है परवेज शेख ने जिन फिल्मों में काम किया है उनमें वर्ष दो में आई अनर्थ शामिल है इसे रवि दीवान ने निर्देशित किया था उन्होंने एक स्टंट के रूप में स्टंटमैन के रूप में काम किया जोकर वर्ष 2012 में आई थी उन्होंने स्टैंड डायरेक्टर के तौर पर उसमें काम किया था इसका निर्देशन श्री कुंदर ने किया था वर्ष 2013 में विश्व रूपन में काम किया इसमें वो एक स्टंट कलाकार थे ये तमिल भाषा की फिल्म थी इसका निर्देशन कमल हसन ने किया था साल 2013 हजार तेरह में कायपोचे में काम किया था इसमें वो स्टंट परफॉर्मर थे इसका निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था मेरे डैड की मारुति उसी साल उन्होंने स्टंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया इसका निर्देशन आश्रमा छब्बर ने किया था फुकरे साल 2013 में शेख एक भारतीय बॉलीवुड स्टंट निर्देशक थे उनका जन्म भारत में हुआ उन्होंने कई एक्शन थ्रिलर फिल्मों में काम किया है वो पिछले कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करे उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया परवेश शेख ने जिन फिल्मों में काम किया है वो सभी बेहतरीन रहे जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया फुकरे वर्ष 2013 तो में आई थी वेस्टर्न डायरेक्टर थे इसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया था घन शक्कर वर्ष 2013 तो में भी आई थी उन्होंने एक स्टेंट कलाकार के रूप में काम किया इसका निर्देशन राजकुमार गुप्ता ने किया था इस साक उसी साल में वो स्टंट निर्देशक और सहायक अभिनेता थे प्राग भी उसी वर्ष हुई थी। उन्होंने की निभाई थी। इसका निर्देशन शुक्ला ने किया था गुलाब गैंग वर्ष 2014 में स्टैंड कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था इसका निर्देशन सौमिक सेन ने किया था उंगली साल 2014 में आई वो एक स्टैंड निर्देशक थे उसमें इसका निर्देशन रेंजिल डी सिल्वा ने किया था वर्ष दो में ग्याल वंस अगेन उन्होंने स्टेंट निर्देशक के रूप में काम किया इसका निर्देशन सनी देओल ने किया था उसी साल तेरे बिन लादेन डैड और अलाइव भी आई थी डेड और अलाइव भी आई थी इसमें भी वो स्टेंट डायरेक्टर थे इसका निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया था सुल्तान में उन्होंने बतौर स्टेंट डायरेक्टर काम किया था इसका निर्देशन आलिया अब्बा जफ्फ़र ने किया एक ब्लॉक पोस्टर फिल्म थी साल 2017 में उन्होंने ट्रॉली एल बी में काम किया था एक सचिन और कैदी बैंड इन सभी फ़िल्मों में वो स्टेंट डायरेक्टर थे साल दो में उन्होंने बायोस्कोप वाला तुम्बाड़ में काम किया उन्होंने इन फिल्मों में स्टंट कोऑर्डिनेटर और स्टंट डायरेक्टर के रूप में काम किया साल 2019 में उन्होंने केसरी में काम किया जंगली इंडियाज मोस्ट वांटेड भारत और वॉर इन फिल्मों में वो स्टंट डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर थे और इन्हीं फिल्मों में कोरियन डायरेक्टर भी शामिल थे जो अब किल में हैं यानी इन दोनों का डुओ काफ़ी टाइम से ठहला रहा है परवेश शेख 2020 की फिल्मों में भांगड़ा पाले खाली पीली शमशेर और पृथ्वीराज शामिल हैं उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है वो एक जाने माने सक्सेसफुल स्टंट और एक्शन डायरेक्टर हैं किल के एक्शन के तो हैं ही माशाल्लाह, लेकिन एस आर के की जवान के एक्शंस कम खतरनाक नहीं थे ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म के एक्शन सीन्स को ग्रैंड बनाने के लिए टॉप क्लास एक्शन डायरेक्टर्स की एक पूरी फौज हायर की गई इस लिस्ट में दुनिया भर के छः बड़े एक्शन डायरेक्टर शुमार हैं हाँ इन दोनों में से नहीं है लेकिन जो है वो आप जान जाओ जिन्होंने फिल्म के एक्शन सीन्स को शानदार बनाने में अपनी जी जान लगा दी जवान के एक्शन को छ सबसे बड़े एक्शन निर्देशकों स्पायरो स्पाइरोस यानिक बेन क्रेग मे क्रेग सुनील रॉड्रिक्स और अनिल अरासो ने कोरियोग्राफ किया है उन्हें विश्व स्तर पर कुछ बेहतरीन फिल्मों के लिए एक्शन सीन कोरियोग्राफ करने के लिए जाना जाता है जवान में एक्शन प्रारूपों की एक विस्तृत रेंज शामिल है जिसमें हैंड टू हैंड हान्ट कॉम्बैट रोमांटिक बाइक सीक्वेंस दिल दहला देने वाले ट्रक और कार चेस जैसे कई सीक्वेंस शामिल हैं पूरी सावधानी से डिज़ाइन किए गए ये एक्शन सीक्वेंस फिल्म की कहानी का अभिन्न हिस्सा हैं जो मूवी में गहराई और रियलिज्म जोड़ते हैं ये छह बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर जवान को बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए मददगार रही है वहीं किल के ये दो एक्शन डायरेक्टर ने किल को यादगार बना डाली है तो जवान के जो छः एक्शन डायरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले है सिप्रो रजा टॉस फास्ट एंड फ्यूरियस कैप्टन अमेरिका टीन एज म्यूटेंट टर्टल जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में अपनी काम के साथ उनके पिछले काम को उसके शानदार वीएफएक्स और एक्शन के लिए बहुत ही प्यार मिला सराहा गया जो असाधारण टैलेंट को दिखाता है इन छह एक्शन डायरेक्टर्स के बारे में भी जान लो और भी हैं पांच और जैसे कि यानिक बेन को न केवल हॉलीवुड में बल्कि तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी एक्शन कोरियोग्राफर के रूप में पहचाना जाता है ट्रांसपोर्टर थ्री डन और इंस्पेशन के साथ साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों को भी कोरियोग्राफ किया है जैसे कि रईस टाइगर जिंदा है डेरेडी वो अलग अलग स्किल सेट पर काम करते हैं जिनमें से एक एक्शन सीक्वेंस भी है फिर आते हैं क्रेग मेकर मैर मार्क्स फ्यूरी रोड और एवेंचर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी पॉपुलर फिल्मों में आने वाले एक्शन सीन्स के पीछे की विजनरी क्रेक मेकरे ने जवान फिल्म में उनकी एक्सपोजीज का प्रदर्शन किया वॉर जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन एक्शन सीन्स भी फिल्माए थे केचा खम्फ पकड़ी केचा एक अंग्रेजी सन निर्देशक हैं जिन्होंने कन्नड़ मलयालम हिंदी तमिल अंग्रेजी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में प्रमुख काम किया है उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी अपने एक्शन के लिए पहचान बनाई है जैसे कि थुपाकी बाहुबली टू दी कंक्लूजन और बागी बागीटू उन्होंने दो में बाहुबली टू दी कंक्लूजन के लिए बेहतरीन डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता है सुनील रॉड्रिक्स सुनील एक्शन सीन्स के निर्माण तकनीकी डिज़ाइन निर्देशन और उत्पादन में माहिर हैं उन्होंने शेरशाह सूर्यवंशी और पठान जैसी सुपरहिट फिल्मों में शानदार एक्शन सीन्स के निर्देशन के लिए जाना जाता है फिर आते हैं अनिल अरासू अनिल अरासू भारतीय एक्शन मास्टर कोरियोग्राफर हैं जो तमिल तेलुगू, मलयालम और हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें सुल्तान कैथी और किग जैसी फिल्मों में एक्शन निर्देशन के लिए पॉपुलैरिटी हासिल है किल तो 2024 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बन गई लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी एक्शन फिल्में हैं जो आपके पसीने झुरा देंगी और आपके रोंगटे खड़े कर देंगी अजय देवगन की फिल्म भोला रिलीज हुई मूवी आने से पहले ही उसके एक एक्शन सीक्वेंस को लेकर हल्ला मचा हुआ था ये छह मिनट के सीन को फिल्माने में ग्यारह दिन लगे ये सीक्वेंस फिल्म के सबसे बड़े भोकाल मोमेंट्स में से एक है भोला तमिल फिल्म कैथी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है भोला लार्जर दें लाइफ नुमा एक्शन सीन से लबरेज है मगर अभी बात करेंगे उन फिल्मों की जिनका एक्शन लोगों को सिनेमा घर छोड़ने के बाद भी सालों तक याद रहा के से पहले प्रशांत नील ने उग्रम बनाई थी उनकी पहली फिल्म और पहली फिल्म वाली रोनेस यहाँ दिखती भी है कहानी का मुख्य किरदार है एक आम आदमी अपने आस पास क्राइम होते देखता है और बस उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है कुछ वैसा ही जो सत्तर में अमिताभ बच्चन का आंग्री मान किया करता था प्रशांत की सिनेमा पर अमिताभ की फिल्मों का असर भी हो रहा है खैर ओकरम जिस टैंपलेट पर बनी है वो सिनेमा की दुनिया में नया नहीं हालांकि फिल्म के लिए सबसे कारगर फैक्टर साबित हुआ उसका एक्शन मूवी बॉक्स ऑफिस पर भले ही नहीं चली, लेकिन इसने लोगों को इतना भरोसा दिला दिया कि संसाधन मिलने पर प्रशांत नील बड़ी एक्शन फिल्म बनाने का हिम्मत रखते हैं विवेकम का क्लाइमैक्स एक्शन सीन खासा पॉपुलर हुआ था अजीत का किरदार विलन बनी विवेक ओब्रॉय को ट्रेस कर रहा होता है उसके बाद दोनों में मारा पीटी होती है फुल रोमांटिक सीन हीरो जमीन पर धराशायी पड़ा है हीरोइन बिलख रही है फिर चलती है आंधी हीरो के सॉल्ट पेपर बालों में हरकत होती है पैरों पर खड़ा होता है अपने हाथों से विलन को चीरने से पहले चीरता है अपनी शर्ट ये ऐसा सीन है जहाँ हॉल में बेतहाशा तालियाँ सीटियाँ वटी विवेगम एक फिल्म के तौर पर ही ऐसे सीटी मार मोमेंट्स का कलेक्शन है लेवल पर ऊपर नीचे भले ही हो लेकिन सर्विस करना नहीं भूलती। एक गांव है, है।, है।, है लोगों का मसीहा बनता है फिर वे वही बात दसियों बार कही जा चुकी कहानी फिर इसे खास क्या बनाता है डायरेक्टर सुकुमार का ट्रीटमेंट उन्होंने ही पुष्मा भी बनाई रामचरण का स्वैग फिल्म जर्नलिस्ट रंगस्थलम को रामचरण के बेस्ट कामों में से गिनते हैं मूवी में एक एक्शन सीन है रात के अंधेरे में खेत में चिट्टी बाबू कुछ गुंडों से लड़ता है उस सीन में जो हवा में मुकालत हुई ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा माहौल टाइट हो जाता है साल दो की सबसे ज्यादा कमाऊ इंडियन फिल्मों में से रही थी विक्रम इस फिल्म को सिनेमाघर में देखना तो किसी त्यौहार की तरह था फिल्म का इंटरवल ब्लॉक यादगार था जब कमल हसन फहद फाजल और विजय सेतुपति के किरदार पहली बार मिलते हैं। विक्रम में जैसा एक्शन हुआ उसके लिए ही हम धुआंधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्लाइमैक्स में कमल हसन का किरदार विक्रम मशीन गन लेकर गैराज से बाहर निकलता है उसके बगल में उसका नवजात पोता है और फिर अगले ही पल में वो जब अपनी गन को फायर कर खाली करता है आप सारा लॉजिक ढूंढना बंद कर दोगे इतनी आवाज के पास बच्चे को नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए किसी भी बात पर ध्यान नहीं जाता स्क्रीन पर जो आग निकल रही होती है वो दिमाग में ड्रस की तस छप जाती है अलू अर्जुन पुष्पा बनकर लकड़ी की स्मगलिंग नहीं कर रहे थे तब वो एक आमी मैन थे ऐसे लोगों को सजा देता था जो कानूनी व्यवस्था में कोई पेच निकाल कर बच निकलते उनके साथ वो अपने ढंग से इंसाफ करता फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बम्पर रिस्पॉन्स मिला कि 2016 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी फिल्म का स्क्रीन प्ले कमज़ोर था उसकी आलोचना हुई मगर तारीफ हुई फिल्म के लाजर दैन लाइफ की उसके विजुअल्स की ये तो हुई साउथ फिल्मों के एक्शन फिल्मों की बात अब आते हैं बॉलीवुड पर शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई फिल्म शोले का क्रेज़ आज तक लोगों में बरकरार है इस मूवी के ज़बरदस्त एक्शन की तुलना उस काल की हॉलीवुड फिल्मों से की जाती है गौरतलब है कि उन दिनों में टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी इसके बावजूद शोले में ट्रेन डकैदी का दृश्य बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया लगातार दौड़ते घोड़े और आग उगलती बंदूकों के एक्शन ने दर्शकों पर जादू सा कर दिया आज 45 साल बाद भी इस फिल्म का नशा लोगों के दिलों पर छाया रहता है तो देखो ना किल तो आई ना जिसपे भी डकैतों और एक्शन का और ट्रेन का सीन है फिर आते हैं डॉन पर इस फिल्म का कथानक जितना नया था फिल्म में एक्शन भी उतना ही कमाल का था सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही कारों की चेजिंग का सीन हो या फिर रस्सी पर चलते हुए प्राण साहब हो हर एक सीन उस वक्त की तकनीक के लिहाज से कमाल था चलती ट्रेन में अमिताभ के चढ़ने और पूल से सीधे नदी में छलांग लगाने देने वाले सीन भी ऑडियंस में खासा रोमांच पैदा करने में सफल रहे थे ये वजह है कि डॉन उस वक्त की एक बेहतरीन फिल्म एक्शन फिल्म कही जा सकती थी सत्तर के दशक में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की आंग्री यंग मैन की छवि ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया था चंद्र बरोड निर्देशन इस मूवी में अमिताभ बच्चन ने अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार और हम शक्ल विजय की भूमिका निभाई थी एक्शन फिल्मों की बात चले और उसमें हम घायल का नाम ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी में राजकुमार संतोषी द्वारा निर्मित ये फिल्म सनी दियोल के करियर में मील का पत्थर कही जा सकती है अपने भाई की तलाश में कैसे एक बॉक्सिंग खिलाड़ी गुनाहों की दुनिया में फंस जाता है देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है सनी और उसके साथियों का जेल से भागने का सीन हो या फिर मूवी के अंत में नायक सनी देओल का भरी भीड़ में खलनायक बलवंत राय अमरीश पुरी को मारने का सीन हो इस मूवी का हर एक्शन सीक्वेंस कमाल का था ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन हीरोज यदि एक ही फिल्म में मौजूद हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस मूवी में कितना ज़्यादा एक्शन होगा कहने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों ने अपनी फिटनेस और एक्शन से ही फिल्म को कमाल बना दिया मूवी की कहानी अपनी जगह लेकिन अगर आप एक्शन के शौकीन हैं कि केवल टाइगर और ऋतिक को देखने के लिए भी इस मूवी को देखा जा सकता है टॉम क्रूज की जुलाई टू में आई मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकर्निंग पार्ट वन एक एक्शन सीन है जिसे सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट कहकर प्रचारित किया गया जिसमें नॉर्वे के पहाड़ की एक चोरी से बाइक दौड़ते हुए टॉम क्लिप के कूदा देते हैं और खड़ी घाड़ी में नीचे गिर जाते हैं और काफी नीचे जाकर पैराशूट खोलते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने कम से कम 12 से 16 असंभव लगने वाले स्टंट खुद किए जो सिनेमा इतिहास से सबसे खतरनाक स्टंट्स में से एक है और सब तकरीबन उन्होंने ही की। नॉर्वे की क्लिफ वाले स्टंट की परिकल्पना कई वर्षों तक चली और प्रैक्टिस कई महीनों टॉम क्रूज के लिए भी अमेरिका सिनेमा में वही दाव पर है जो भारत में सलमान या शाहरुख खान का दाव पर है एक अजीब अनूठा सा स्टारम टॉम ने जो चीज अलग ही वो की है उनके द्वारा स्टंट्स खुद किए जाने और उनकी जानकारियाँ प्रचारित किए जाने ने। उनकी घोर कमर्शियल और काल्पनिक कहानियों को सच और तथ्य बना दिया एक्टर ने कोई स्टन खुद किया है कोई टॉर्चर खुद झेला है ऐसा अगर दर्शन जान ले तो उससे बड़ा नशा कुछ नहीं उससे बड़ी स्वीकार्यता उस एक्टर के प्रति कुछ नहीं तो अब ये भी आगे आगे पता चलेगा कि किल में कौन सा एक्शन हीरो ने खुद से किया है और कौन सा एक्शन उन्होंने मदद से लिया है पून खराबे जोरदार लड़ाई के सीन्स रोमांचक सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन से भरपूर जब अप्रैल में भारत में किल का टीजर जारी हुआ था तो लोगों ने इसे दूसरे एनिमल का टैग दिया था अब निर्देशक निखिल भट्ट ने फिल्म के हिंसक दृश्यों को लेकर अपनी बात रखी मालूम हो कि फिल्म का टीजर एक चेतावनी के साथ शुरू होता दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है क्योंकि इसके निर्माता गर्व से इसे भारत में बनी सबसे हिंसक फिल्म कहते हैं करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शन और गुणित मोंगा की सिक्ख्या एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किल एक सैनिक यानी लक्ष्य की कहानी बताती है वो एक ट्रेन को खूनी संघर्ष में बदल देता है राघव जुवेल का किरदार अपनी प्रेमिका का ट्रेन से अपहरण कर लेता है इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक साक्षात्कार में निखिल ने बताया कि किस तरह उनके निजी अनुभव ने उन्हें किल की कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा 1994 फोर टू नाइनटीन में एक छात्र के रूप में मैं पटना से पुणे जाने वाली बॉम्बे जनता एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था एक रात मैं चौंक कर जा गया क्योंकि ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी मैंने देखा कि हम इलाहाबाद में नहीं थे जहां हमें रुकना था तभी खबर फैली कि ऐसी कोच में लूट हो रही है मेरी गाड़ी में दानापुर से आए सैनिकों का एक समूह हंस रहा था उन्हें विश्वास था कि वे हमारे स्लीपर कोच में किसी भी तरह की लूट को रोक देंगे वो घटना सालों तक मेरे साथ रही फिल्म की आलोचना पर निर्देशक ने कहा एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं हमेशा प्रयोग करने और खुद को और अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए रेडी रहता हूँ मैं बहुत लालची फिल्म निर्माता हूँ इसलिए अगर कोई वैध कारण से इसकी आलोचना करता है तो मैं आलोचना से सीख लूँगा लेकिन ये कहने के बाद कि लेख शैली की फिल्म है ये एक बेहद हिंसक फिल्म है इसलिए अगर हिंसा के लिए इसकी आलोचना की जाती है तो ये लगभग एक हॉरर फिल्म की तरह है जिसकी लोगों को डराने के लिए आलोचना की जा रही है बता दें कि जिस तरह को किल को लेकर एक अच्छा रिस्पॉन्स अनुराग कश्यप ने दिया जबकि इसकी इतनी आलोचना हो रही है ठीक उसी तरह एनिमल की भी आलोचना हुई थी और अनुराग कश्यप ने उसका भी समर्थन किया था संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल के रिव्यूज में ध्रुवरीकरण देखने को मिल रहा था या तो किसी को फिल्म बहुत ही पसंद आ रही थी या फिर कोई इसकी प्रचंड आलोचना कर रहा था ये डिबेट सिर्फ आम पब्लिक तक ही सीमित नहीं रही सेलिब्रिटीज़ के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहा था हाल ही में अनुराग कश्यप ने एनिमल के इर्द गिर्द चल रहे पूरे विवाद पर बात की उन्होंने न्यूज़ एटीन शोशा को बताया मैंने अभी तक एनिमल देखी नहीं मैं अभी मारुकेश से लौटा हूँ लेकिन मुझे पता है कि फिल्म को लेकर एंटरटेन करना हर एक डायरेक्टर का काम है और फिल्म को लेकर इंटरनेट पर कैसी चर्चा हो रही है किसी को भी फिल्म मेकर को ये बताने का अधिकार नहीं कि उसे कैसी फिल्में बनानी चाहिए और कैसी नहीं इस देश के लोग बहुत जल्दी फिल्मों से ऑफेंट हो जाते हैं वो मेरी फिल्मों से भी ऑफेंट होते थे लेकिन मैं पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो झट से ऑफेंट ना हो अनुराग आगे कहते हैं कि कबीर सिंह के रिलीज़ के बाद भी ऐसा ही माहौल बन गया था उन्होंने इस बारे में कहा कबीर सिंह के वक्त भी ऐसी ही चर्चा फैली हुई थी मेकर्स को पूरा अधिकार है कि वो कौन सी फिल्म बना रहे हैं और क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम फिल्म की आलोचना कर सकते हैं उस पर बहस कर सकते हैं उससे असहमत हो सकते हैं फिल्में या तो उकसाती हैं या आपको जगाती हैं मुझे ऐसे फिल्म मेकर से कोई समस्या नहीं जो उकसाने वाला सिनेमा बनाते हैं उन्होंने आगे कहा कि वो कबीर सिंह की नैतिकता में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि मोरालिटी बहुत सब्जेक्टिव होती है उनका कहना था कि इस देश के करीब 80 परसेंट मर्द कबीर सिंह जैसे ही हैं इस वजह से उन्हें इस किरदार से कोई दिक्कत नहीं थी हालांकि उनका मसला फिल्म के बाकी किरदारों को लेकर था अनुराग ने बताया कि कबीर के अलावा फिल्म के बाकी किरदारों के पास अपनी एजेंसी या कोई आवाज़ ही नहीं थी वो बस मुख्य किरदार के लिए किसी प्रॉप की तरह थे अनुराग ने अपनी बात के अंत में कहा कि उन्होंने अभी एनिमल नहीं देखी है फिल्म देखने के बाद वो संदीप रेड्डी वांगा से इस पर चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि वो हर बार यही करते हैं फिल्म देखने के बाद सीधा फिल्म मेकर को फ़ोन में लाते हैं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर छड़ी बहस में पढ़ने के बजाय वो सीधा डायरेक्टर से बात करेंगे अनुराग का यही कहना है कि यही सही दिशा में डिबेट होनी चाहिए हमें बेबिट खड़े होकर एक दूसरे को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरी बहस के बीच मनोज बाजपेयी का भी एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू कबीर सिंह के रिलीज़ के बाद रिकॉर्ड किया गया था बातचीत में उनसे कबीर सिंह की नैतिकता पर सवाल किया गया मनोज का कहना था कि कबीर सिंह भी इसी समाज का हिस्सा है अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो उसे मत देखिए लेकिन उस पर अपनी नैतिकता का बोझ डालना सही नहीं है बता दें कि साल 2019 में संदीप रडी वांगा ने फिल्म कंपेनियन को एक इंटरव्यू दिया उसका एक हिस्सा खूब वायरल हुआ इंटरव्यू के अंत में अनुपमा चोपड़ा पूछती हैं कि कबीर सिंह की तुलना तो में आपकी अगली फिल्म की कम आलोचना हो इस पर संदीप कहते हैं कि उसकी और भी ज्यादा आलोचना होगी क्रिटिक्स कबीर सिंह को वायलेंट फिल्म कह रहे हैं मैं इन्हें दिखाऊंगा कि वायलेंट फिल्म आखिर होती क्या है उनकी इस बात का जवाब साल 2023 में एनिमल की रिलीज के साथ मिला एनिमल के बाद संदीप ने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं कनेक्ट एफएम एम कैनेडा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पिरिट और एनिमल पार्क की तो और भी ज़्यादा आलोचना होगी उनका कहना था कि एनिमल पार्क देकर तो क्रिटिक्स मर जाएंगे इंटरव्यू में वांगा जमकर क्रिटिक्स पर बरसे उन्होंने कहा पाँच साल मुंबई में रहने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है एक गैंग काम कर रही है उस गैंग को एक किस्म की फिल्म पसंद आती है वो उन्हीं फिल्म मेकर्स की तारीफ करते हैं बाकी फिल्में उनके लिए मायने ही नहीं रखती अर्जुन रेड्डी के समय क्रिटिक्स को पैसे देने का कल्चर था मैंने कभी ऐसा नहीं किया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा पिछली बार इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो लोग फिल्म को एनालाइज नहीं करते वो बस दो तीन चीज़ों पर बात करते हैं ये फिल्मों को लेकर अशिक्षित लोग हैं मुझे पता है कि मैं जितनी भी फिल्में बनाऊँ ये आलोचना होती रहेगी मैंने बोला ठीक है अभी और ज़्यादा होगी स्पिरिट के लिए एनिमल पार्क देखकर तो ये लोग मर जाएंगे मुझे नहीं लगता कि ये लोग एनिमल पार्क की आलोचना करने की हिम्मत भी कर पाएंगे मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ कर ये करूँगा लेकिन फ़िल्म का कॉन्टेंट ही ऐसा है अभी किल का भी यही हाल होगा तो किल के मेकर्स को भी वांगा की तरह ढीठ बनकर इन सब का मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है बता दें कि तमाम आलोचना के बावजूद एनिमल तगड़ी कमाई कर रही है और किल भी यही कमाल करने वाली है ट्रेलर में अगर फिल्म किल को मोस्ट वायलेंट फिल्म कहा गया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है ये इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा रक्तपात मचाने वाली फिल्म है कमजोर के लिए तो ये कत्ता ही नहीं है हालांकि हॉलीवुड में हम बुलेट ट्रेन और ट्रेन टू भूसान जैसी फिल्मों में खेल देख चुके हैं मगर निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की किल में नायक और खलनायक के बीच जिस तरह से रक्त की होली खेली जाती है वो आपको ना केवल हैरान कर देती है बल्कि अपनी सीट से हिलने नहीं देती अगर हम इन दो हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो बुलेट ट्रेन रिलीज हुई थी 4 अगस्त 2022 को फिल्म की शुरुआत से स्पष्ट होता है कि इस बुलेट ट्रेन की सवारी में लगातार हिंसा कॉमेडी के साथ एक्शन का मसाला होगा डेडपूल 2 फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंस हॉब्स एंड शो ड्रेसी हॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक डेविड लीच आपको शुरुआत से ही इसके लिए तैयार कर रहे थे यह फिल्म जापानी उपन्यासकार कोतारो इसका द्वारा लिखित तो उपन्यास मारिया बीटल पर आधारित है अंग्रेजी में इसका अनुवाद बुलेट ट्रेन के तौर पर हुआ है उपन्यास पढ़ने वाले ही उसके सफर के बारे में बता सकते हैं लेकिन स्क्रीन पर बुलेट ट्रेन के भीतर की गतिविधियों को देखकर उम्मीदें धूमिल होती हैं कहानी यूं है कि शांति की तलाश में निकले भाड़े के हत्यारे को उसकी बॉस सेंड्रा बुलेट कोट ने लेडी बग देती है लेडी बग को लगता है कि उसके काम बिगड़ने की वजह से उसकी ख़राब किस्मत है हालांकि उसकी याददाश्त बहुत ही तेज है लेडी बॉस उसे बुलेट ट्रेन में नकदी से भरे सूट केस लाने का काम सौंपती है जिस पर ख़ास ट्रेन को लोगो लगा रहता है ये सूट केस इस ट्रेन में जुड़वा भाई के तौर पर विख्यात लेमन ब्रायन टायरी हेनरी और टेंजरीन एरन टेलर जॉनसन के पास है जिन्होंने माफिया डॉन वाइड डेथ के अपरद बेटे को मुक्त कराया है में फिरौती की रकम भी है जिस में उन्हें देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई इसी ट्रेन में प्रिंस यानी ड्रोए किंग भी सफर कर रही है जो देखने में गुड़िया सी लगती है उसने जापानी हथियारे की मूरा के मासूम बेटे को ट्रेन से धक्का दे दिया होता है वो कीमूरा को ट्रेन में बुलाती है ताकि सूटकेस के लॉक को खोल सके इसी ट्रेन में एक जहरीला सांप भी है उसके जहर से तीस सेकंड में इंसान का काम तमाम हो जाता है अगर इंसान के खाने में मिल जाए तो आंखों से खून निकलने लगता है यह अलग बात है कि ट्रेन में रेंगने के दौरान किसी को भी काटता नहीं है बहरहाल लेरीबक को सूटकेस मिल जाता है उसे अगले स्टेशन पर उतरना होता है लेरीबक कहता है कि काम जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं होता भी वैसा ही है वो अगले स्टेशन पर उतर नहीं पाता फिर ट्रेन के अंदर कई हत्याएं होती हैं सभी हत्यारे पाते हैं कि उनका काम एक दूसरे से ही रिलेटेड है इनकी आपसी दुश्मनी भी है अमेरिका में रिलीज से एक दिन पहले ही फिल्म बुलेट ट्रेन गुरुवार को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई जैक द्वारा लिखित इस स्क्रीन प्ले बुलेट ट्रेन की रफ्तार जैसा कोई रोमांच नहीं है ट्रेन में प्रसंगवश कई हत्याएं होती हैं पर इन हत्याओं को देखकर कोई टीस नहीं होता है फिल्म देखते हुए कई किरदारों की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है ये कहानी का मज़ा बेमजा करती है कई बार लगता है कि लाइव एक्शन कारून फिल्म देख रहे हैं हिंदी में डब इस फिल्म को देखते हुए डायलॉग बेहद सतही और घिसे पिटे लगते हैं दरअसल हिंदी में डब फिल्मों में ह्यूमर के लिए बीडू येड़ा जैसे शब्दों के प्रयोग काफी समय से हो रहे हैं इन पर विराम देने की बेहद आवश्यकता है उसके स्थान पर अन्य मनोरंजक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है मूवी में बीच बीच में किरदारों के बीच की आपसी झड़प उनके बीच तकरार को लेकर एक्शन है उसे काफ़ी रियल रखने की कोशिश की गई है कलाकारों में ब्रेडपेट को कॉमेडी करने के लिए बीच बीच में वन लाइनर मिले हैं फ्रेंड्स की भूमिका में गिरावट की तरह रंग बदलने वाली ड्रोवे किंग प्रभावित करती है बाकी कलाकारों ने स्क्रिप्ट के दायरे में अपने किरदार को निभाया है फिर है दूसरी ट्रेन से रिलेटेड दूसरी हॉलीवुड फिल्म ट्रेन टू बुसान में वायरस अटैक दिखाया गया था जिससे लोग जॉम्बी में बदल जाते हैं कहानी में एक पिता अपनी बेटी को लेकर बुसान जा रहा है लेकिन रास्ते में वायरस की वजह से लोग जोम्बी बनना स्टार्ट हो जाते हैं कैसे वो अपनी बेटी के दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे देता है यही फिल्म में दिखाया गया मूवी में इमोशंस और टेक्निक को बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है इसे देखकर ट्रेन चीन के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है टू बुसान का प्रीमियर तेरह मई 2016 को कान फेस्टिवल में हुआ था इस फिल्म को रिलीज हुई करीब आठ साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ऑडियंस इसे देखकर सिहर जाते हैं सोशल मीडिया पर भी कई दर्शक चीन में कोरोना वायरस के कहर की तुलना ट्रेन टू बुसान की कहानी से कर रहे थे फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ के साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी मिले थे 7 अगस्त 2016 को ट्रेन टू बुसान 10 मिलियन दर्शकों को थिएटर तक खींच कर लाने वाली पहली कोरियन फिल्म बनी वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड नाइन्टी मिलियन डॉलर की कमाई की थी इसके अलावा मलेशिया हांगकॉन्ग और सिंगापुर में ये सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली कोरियन फिल्म रही थी सिनेमा के नौ रसों में से श्रृंगार हास्य और करुण रस का बोलबाला ज़्यादा देखने को मिलता रहा है मगर बीते दिनों में आने वाल जैसी हिंसक फिल्म के बाद विभिद्स रस के प्रति दर्शकों की रुचि जगी है और निर्देशक निखिल नागेश भट्ट की फिल्म अपने शीर्षक के लिए मुताबिक मास किलिंग की एक ऐसी जर्नी पर चल निकलती है जहां दर्शक हक्का बक्का हुए बिना रह नहीं पाते अपनी पिछली फिल्म अपूर्वा में नायिका का खूंखार रूप दिखा चुके निर्देशक की इस फिल्म को कई लोग हिंसक का ग्लोरिफिकेशन करने वाली फिल्म भी कह सकते हैं मगर निर्देशक इस क्रूर रक्तपात को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं कि सीमा पर दुश्मनों का सिर कलम करने वाले कमांडो ट्रेन के अंदर रक्तपात मचाने को विविश क्यों हो जाता है इन राक्षसों के सामने रक्षक स्वयं राक्षस क्यों बन जाता है फिल्म की लंबाई फिल्म का प्लस पॉइंट है निर्देशक लव ट्रैक को डेवलप करने में वक्त ज़ाया करने के बजाय सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और उसके बाद ये ट्रेन कहानी और ट्रीटमेंट के नज़रिए से फ्लाइंग रानी की तरह सरपट भागने लगती है किल फिल्म की कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बदले लेने वाली कहानी है मूवी किल को शुरुआत में देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये फिल्म आगे जाकर इतनी ज़्यादा वायलेंट होगी राघव रोयल को देखकर आपको लगेगा कि पेट्रोल पंप पर मिला हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करता होगा इस फिल्म को यदि कुछ ख़ास बनाता है तो इस फिल्म की कहानी के साथ ही साथ इस फिल्म के किरदारों की एक्टिंग और फिल्म की कोरियोग्राफी फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने पेश की करती है फिल्म को देखते हुए आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आपको हर पल यही लगेगा कि आगे क्या होने वाला है आगे क्या होने वाला है शायद शायद यही बात है जो आपको अपनी सीट पर बांध कर रखने के लिए मजबूर कर देगी और ये मस्ट वॉच फिल्म है ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खूंखार है तो आप मर जाओ नहीं आप ये फिल्म देखने जाओ क्योंकि ये फिल्म फिल्म है ही ही ऐसी जो बिना देखे रही ही नहीं जाए फिल्म किल धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनी तो वही धर्मा प्रोडक्शन का हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने पिता यश के विरासत को आगे बढ़ाया है यश जोहर ने साल 1979 में धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत की थी वहीं साल नाइनटीन एटी में इसके अंतर्गत पहली फिल्म बनी थी धर्मा प्रोडक्शन का सक्सेस रेट 67.30 परसेंट है धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत बॉलीवुड में अब तक चौवालीस सालों के इतिहास में 52 फिल्में बन चुकी हैं पहली फिल्म थी दोस्ताना ये फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई थी आइए आज धर्मा प्रोडक्शन का पूरा इतिहास जानते हैं धर्मा प्रोडक्शन की कितनी फिल्में फ्लॉप कितनी हिट कितनी सुपर हिट और कितनी एवरेज रही और कितनी फिल्मों ने 100-200 करोड़ रुपए की कमाई की सभी सवालों के जवाब जानते हैं धर्मा प्रोडक्शन की 10 फिल्में सुपर हिट रही हैं इनमें दोस्ताना कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी कम अग्निपथ स्टूडेंट ऑफ़ द ये दवानी है दीवानी टू स्टेट्स बद्रीनाथ की दुल्हनिया राजी और सिम्बा शामिल हैं धर्मा प्रोडक्शन की जितनी फिल्में सुपरहिट हैं उससे ज्यादा हिट फिल्में हैं जिसमें दुनिया गुमराह नेम इज़ खान कल होना हूँ आई हेट लव स्टोरी हमरी शर्मा की दुल्हनिया केसरी डियर जिंदगी गुड न्यूज कभी अलविदा ना कहना विकअप सिट कपूर एंड संस एडल है मुश्किल सूर्यवंशी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एवं धड़क शामिल हैं धर्मा प्रोडक्शंस की नौ फिल्में ऐसी भी रही हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औसत रही हैं ना इन पर हिट का तमगा लगा और ना ही फ्लॉप का इनमें काल दोस्ताना 2008 में जो आई थी एक मैं और एक तू थी लॉन्च बॉक्स हंसी तो फसी ब्रदर्स इतफाक डुक डुक और ब्रह्मास्त्र शामिल हैं मुकद्दर का फैसला अग्नि पर डुप्लीकेट कुर्बान वी आर फैमली गिपी गोरी तेरे प्यार में उंगली शानदार बार बार देखो ओके जानू सेल्फी लाइगर और कलंकी धर्मा प्रोडक्शन की फ्लॉ फिल्में धर्मा प्रोडक्शन की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र भारत में इसका नेट कलेक्शन 268 हंड्रेड है धर्मा प्रोडक्शन की दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी ब्रह्मास्त्र ही है इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 430.24 हंड्रेड रही धर्मा प्रोडक्शंस की आठ फिल्मों ने 100 करोड़ या इससे अधिक की कमाई की है इनमें ये जवानी है दीवानी टू स्टीट ए दिल है मुश्किल राजी केसरी सूर्यवंशी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एवं बद्रीनाथ की दुल्हनिया शामिल है धर्मा प्रोडक्शन की सिर्फ दो ही फिल्मों ने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ली है इनमें ब्रह्मास्त्र और गुड न्यूज शामिल है और अब किल भी इस प्रोडक्शन हाउस की कमाई के, के आंकड़े बढ़ाएगी करण जौहर के पास एक आलिशान पेंट हाउस है जिसे उन्होंने साल 2010 में खरीदा था मुंबई के काठा रोड में 8000 वर्ग फुट के इस घर की तब कीमत तकरीबन तीस करोड़ रुपए थी उनके पास मालाबार हिल्स मुंबई में एक और घर भी है जिसकी कीमत लगभग बीस करोड़ रुपए है करण अपने कार्य रोड वाले घर में ही माँ और बच्चों के साथ रहते हैं ये सीफ फेसिंग uh, डुप्लेक्स uh, मुंबई के सबसे पौष इलाके में है इसे मुंबई का सबसे महंगा इलाका भी कहा जाता है यहाँ वरुण धवन समेत कई और एक्टर्स का भी घर है यहाँ कभी सड़क किनारे राजेश खन्ना का घर सबसे फेमस इमारतों में से एक हुआ करता था इस घर के इंटीरियर पार्ट को गौरी खान ने डिजाइन किया है एक बड़े चारकोल की ग्रे रंग की मेड और नीचे की तरफ से आ रही रोशनी इसे रात को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है करण के लिविंग रूम में सीलिंग वाली लंबी कांच की खिड़कियां लगी हैं खिड़की से सटे कुर्सियां वाले हिस्से में एक छोटा सा डिजाइनरवार है गहरे भूरे रंग की संगे मरमर की फर्श और लाल संगे मरमर की डिजाइन वाली दीवारें इस घर को और भी अधिक आकर्षक बनाती है ड्रेसिंग रूम का नाम है कोठरी लाखों की जैकेटो से भरा है ड्रॉर बेडरूम की फर्श से मेल खाती करण जोहर की अलमारी के फर्श वुडन डेकोरेटेड है कमरे में बड़े शीशे लगे हैं जहां तैयार होने के बाद रहा जा सकता है इस इलाके का नाम करण ने कोठरी दिया है जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कोठरी में पर्याप्त जगह है और अलग से चेंजिंग रूम भी है करण की अलमारियों पर नज़र रुक सकती है इनके पास लाखों के जैकेट्स और बैग्स हैं उनके पास बेलेंट्रिया कलर ब्लॉक नायलॉन ट्रैक जैकेट है जिसकी कीमत लगभग वन पॉइंट एट जीरो लाख रुपए है वर्साशे का एक काला और सुनहरा बैरोक प्रिंट परफोमेड इन इटली जैकेट की कीमत वन पॉइंट सेवन सेवन लाख रुपए है धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण डोहर ने अपने प्रोडक्शन के साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी सी जगह ले रखी इनका ऑफिस 18,000 स्क्वायर फीट का है और इस इलाके में एक स्क्वायर फीट की कीमत चालीस हजार रुपये है इसे लोकप्रिय इंटीरियर डिजाइनर सिमोन डुबाश पिंडॉल द्वारा डिजाइन किया गया करण एक कारपोरेट ऑफिस चाहते थे जो एक मज़ेदार और यूनिक दिखने वाली जगह हो ग्रे ग्लास और लकड़ी के पैलेट से बने इस ऑफिस में 1700 स्क्वायर फीट का रिसेप्शन है जहाँ धर्मा लिखा हुआ है ये टिपिकल बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस का फील देता है इसके ठीक बगल में करण जोहर का ऑफिस है जो 650 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें एक बैठने का लाउंज है एक ऑफिस स्पेस एक बड़ी सोफा और कुर्सियाँ यही बगल में तीन सीटों वाला बोर और धर्मा का कैफेटेरिया भी है जिसमें एक समय में 150 लोग एक साथ बैठ सकते हैं मैजिक ब्रिक के अनुसार मुंबई में दो घर और एक आलिशान ऑफिस के अलावा करण जौहर का रियल इस्टेट में भी निवेश है साउथ दिल्ली के मेहरोली में करण जौहर के पास कई एकड़ की जमीन है बॉडी मसाजर से लैस और से लेकर दो करोड़ की मर्सरीज तक बॉलीवुड के कई सितारों की तरह करण जौहर भी कारों के शौकीन हैं अपनी शानदार जीवन शैली और लग्जरी कारों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं उनका कार कलेक्शन उनके टेस्ट और समृद्धि को दिखाने के लिए काफ़ी है बात करें उनकी फिल्म किल की तो करण जौहर 12 जून शाम को मुंबई में अपनी आने वाली प्रोडक्शन किल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए थे। फिल्म मेकर ने इंडस्ट्री में बढ़ती हुई एंटोरेज लागत के बारे में बात की इवेंट के दौरान करण रोहर से अभिनेताओं की बढ़ती लागत और इसने फिल्म उद्योग को कैसे प्रभावित किया के बारे में पूछा एंटोरेज लगातार हमारी समस्याओं में सबसे छोटी है ये कलाकारों का मुख्य पारमशिक है जिस पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है कि सभी एक्टर्स के लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समय कैसा है हमारी फिल्मों का माहौल कैसा है किसी भी साइज़ की बड़ी मोशन पिक्चर बनाना कितना कठिन और मुश्किल है क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता भी है करण जौहर ने कहा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में शामिल अतिरिक्त लागतों के बारे में विस्तार से बताते हुए करण ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल है इसमें बहुत सारी लागतें हैं पी एन ए हैं यानी प्रचार विज्ञापन लागत और अगर ऊपर की लागत जो अभिनेताओं से आती है फिल्म बनाना असंभव हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें ना रहें करण रोहत ने इस बात पर दिया कि अभिनेता को अपनी मांग की गई फीस को अच्छे तरह से आकलन करना बहुत ज़रूरी है आज हर एक फिल्म स्टार फिल्म स्टार को अपनी मांग की समीक्षा करनी होगी क्योंकि कई बार कुछ मेकर ऐसे होते हैं जो उस पैसे का भुगतान करेंगे क्योंकि ये फिल्म को बनाना चाहते हैं लेकिन इससे अंततः पूरे सिस्टम और परिस्थिति तंत्र को बहुत ही नुकसान होगा करण ने आगे कहा कि एन रेज लागत वास्तविक मुद्दा नहीं है कि करण रोहर ने समझाया कि एक्चुअल में ये मदरशिप लागत है जो समस्या है तो ये असल में सच है वह जितने चाहें उतने लोगों को ले सकते हैं जबकि इससे लागत बढ़ रही है ये वास्तविक मुद्दा नहीं है वास्तविक मुद्दा उनकी मदरशिप लागत है उन्होंने इस पर गौर करना होगा बैक एंड डील हो सकती है मुनाफे का प्रतिशत हो सकता है प्रदर्शन आधारित हो सकते हैं अनुसार बॉक्स ऑफिस के स्लैब हो सकते हैं ये सब संभव है लेकिन हर अभिनेता को वास्तव में अपने भीतर देखना होगा क्योंकि उनमें से बहुत से लोग वास्तव में वास्तविकता से जुड़े ही नहीं हैं करण जौहर ने किल के कार्यक्रम में ये सारी बातें की बॉलीवुड डायरेक्टर कारण जौहर इन दिनों किल के प्रमोशंस में भी बिजी चल रहे हैं जिसका हाल ही टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था इस प्रीमियर के बाद मीडिया से खास बातचीत करते हुए नजर आए जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की कि धर्मा प्रोडक्शन सिर्फ फैमिली फिल्में और अमीर लोगों के बारे में ही फिल्म नहीं बनाता चलिए जानते हैं कि इस पर करण जौहर ने क्या कहा करण ने इस पर कहा कि मैं लोगों के मन में बनी इस धारणा को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मुझसे अभी भी ये पूछा जाता है ओह आप सिर्फ पारिवारिक फिल्में बनाते हैं या सिर्फ अमीर लोगों के बारे में ही फिल्में बनाते हैं इस पर करण वे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का संदर्भ देते हुए कहा कि अगर मेरा नाम करण कश्यप होता तो शायद मैं किसी और वर्ग के लोगों के साथ बहुत बेहतर काम करता ये तो फिर ऐसा हो गया कि मैं अपने नाम की वजह से ही बर्बाद हो गया हूँ आपको बता दें कि किल करण रोहर के धर्मा प्रोडक्शन और ऑस्कर विजेता गुणित मोंगा की सिक्ख्या एंटरटेनमेंट ने मिलकर बनाई है सिक्ख्या एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन ने मिलकर तो किल फिल्म बना डाली लेकिन आखिर ये गुणित मोंगा कौन है नाम से तो कोई मेल पर्सनैलिटी लग रहा है बट नहीं दोस्तों ये कोई मेल पर्सनैलिटी नहीं है दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी में मीडिया की पढ़ाई की इन्होंने फिर चली गई मुंबई फिल्म की दुनिया में कदम रखा छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम किया नहीं नहीं इतने भी छोटे नहीं हाँ रंग रसिया और दस विदानियां जैसे प्रोजेक्ट्स नाम फिर भी नाम मालूम, अनुराग कश्यप से मुलाकात हुई फिर खुद का प्रोडक्शन शुरू किया कट टू फोटीन साल बाद अब स्थितियाँ बदल गई हैं इस औरत का नाम आज पूरी दुनिया ले रही है इस औरत की प्रोड्यूस की हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 13 मार्च 2023 की सुबह ऑस्कर मिला था फिल्म का नाम है दी एलिफेंट विस्पर्स इस औरत का नाम है गुणित मोंगा हम स्टोरी में उनकी कहानी जानेंगे कार्तिकी ने ये डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस किया है गुणित मोंगा की सिख एंटरटेनमेंट ने ऑस्कर जीतने के बाद गुणित ने एक वीडियो बनाया और उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया आज का दिन ऐतिहासिक था उनके लिए ये किसी भी इंडियन प्रोडक्शन का पहला ऑस्कर है और दो महिलाओं ने इसे जीता है एक करोड़ हिंदुस्तानियों आपके लिए ये सपना हम सब ने साथ देखा था मैं हर महिला से ये कहना चाहती हूँ भविष्य साहसी है भविष्य हमारा है भविष्य आ चुका है दिल्ली में पढ़ ली बड़ी यही की ब्लू बेल स्कूल इंटरनेशनल में पढ़ाई की और 2004 में गुरु गोबिंद सिंह इंद्र प्रस्थ तो यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई की अपने कॉलेज के दिनों से ही फिल्मों में काम किया डिग्री मिलने से पहले ही कुित ने दिल्ली में एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के तौर पर इंटर्नशिप की डिग्री मिली और 2006 में मुंबई चली गई क्रिकेट पर बनी फिल्म से सलाम इंडिया 2007 में काम किया इसके बाद उन्होंने रंग रसिया और दस वदानिया जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया 2009 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान मिल गई एक राइटर डायरेक्टर अनुराग कश्यप से और 2009 की के आखिरी तक वो अनुराग कश्यप फिल्म में शामिल हो गई गुणित की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी कवि 2009 में आई और उसी साल फिल्म को अकेदमी अवार्ड्स के बेस्ट लाइफ एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के, के लिए नॉमिनेट भी किया गया था मूवी भारत में बंधुआ मजदूरों के बारे में थी इसे डिटेक्ट किया था ग्रेग हेल्वे ने और इस फिल्म ने 2009 में स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड नेरेटिव जीता था इस बीच 2008 में गुणित ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी से सीखिया एंटरटेनमेंट शुरू की और एक लाइन प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने गैंग्स ऑफ वॉस एपो के दोनों पार्ट्स में काम किया दैट गर्ल इन येलो बूथ्स तृष्णा शैतान माइकल जैसी फिल्मों में फिर काम किया कुछ को प्रोड्यूस किया अनुराग कश्यप के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोड्यूसर जुटाने और संभालने के अलावा गुणित अनुराग कश्यप प्रोडक्शन्स को विदेशी खरीदारों और डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ने का काम करती थी इसके लिए करना क्या होता है फिल्म फेस्टिवल में जाना सेल्स एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना अपने प्रोजेक्ट्स को पिच करना और को प्रोडक्शन के लिए पैसा जुटाना गणित ने खुद कहती हैं कुल तीन सवाल होते हैं कितना पैसा है कितना शेयर है कितना कमाएगी

विपुल प्रोड्यूसर कहा गुनित ने पेडलोस के लिए फेसबुक से पैसा जुटाया था दो करोड़ का बजट था जिसमें से एक करोड़ रुपए उनके पास थे और एक करोड़ उन्होंने फेसबुक से जुटाए क्या किया फिल्म की स्क्रिप्ट फेसबुक पर डाल दी और लोगों ने स्क्रिप्ट पर दम भर पैसा दे दिया गुनित के प्रोडक्शन सिखे एंटरटेनमेंट के, के नाम एक से एक फिल्में हैं मसलन गैंग्स ऑफ वॉसिपो पेडलोस दी बॉक्स मसान रुबान और पगलेट कुछ प्रोड्यूस तो कुछ को प्रोड्यूस 2012 में मिंट को दिए एक इंटरव्यू में गुणित ने कहा था कितनी सारी कहानियां हैं कितना कम वक्त है मैंने अपने कंप्यूटर से शादी कर ली है मेरी कोई जिंदगी नहीं किस बारे में है दी एलिफेंट विस्पो ये भी गुणित ने बता दिया लेकिन अब बारी है किल का जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उससे ये कह सकते हैं कि ये फिल्म भी ऑस्कर तक जा सकती है और गोणित की अवार्ड लिस्ट बढ़ा सकती है